यह घटना 1999 के आसपास की है। दिल्ली में रहने वाले हमारे एक दूर के रिश्तेदार पहली बार हमारे गांव जगनपुरा में अपने एक नजदीकी रिश्तेदार के घर पर आए, पर वहां उनका मन नहीं लगता था। रिश्तेदार अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते और उनकी पत्नी अपने छोटे छोटे बच्चों में। वे वहां किससे और कितनी देर बातें करते, उनके यहां जाने में जानबूझकर देर करते थे और हमारे यहां बैठकर बातें करते रहते थे। बड़े गप्पी थे वो। अक्सर वे हमारे घर पहुंच जाते थे और घंटे दो घंटे गपशप करने के बाद खाना खाकर ही लौटते थे। एक दिन शाम को पहुंचे तो इधर उधर की बात होते होते भूत प्रेत पर जाकर रुक गई। भूत प्रेत का नाम सुनते ही उन्होंने अपनी शौर्य गाथाएं सुनानी शुरू की। फलाने जगह में भूत के भय से जाने से लोग डरते हैं, मैं वहां रात भर रहा, फलाने जगह पर ये किया वो किया, और हम सभी उनके हिम्मत के आगे नतमस्तक थे। मेरी मम्मी ने एक दो बार रात के समय इस तरह की बातें न करने की याद भी दिलाई, पर वो नहीं माने। नहीं चाची जी, भूत प्रेत कुछ होता ही नहीं है, वैसे ही मन का वहम है ये। और न जाने कहां कहां के ऐसे वैसे किस्से सुनाते ही रहे। उस दिन खाते पीते कुछ अधिक ही देर हो गई थी, रात के 11 बज गए थे। गांव में काफी सन्नाटा हो जाता है। उस घर के छत से आवाज दे देकर बच्चे बार बार बुला रहे थे। सामने के रास्ते से जाने से कई मोड़ पड़ने से उनका घर हमारे घर से कुछ दूर पड़ जाता था, पर खेत से होकर एक शॉर्टकट रास्ता था। हम लोग अक्सर उसी रास्ते से जाते आते थे। उन्होंने भी उस दिन उसी रास्ते से जाने का निश्चय किया। पीछे के दरवाजे से उन्हें भेजकर हम लोग दरवाजा बंद करके अंदर अपने अपने कामों में लग गए। अचानक मेरी छोटी बहन के दिमाग में क्या आया, छत पर जाकर देखने लगी कि वे उनके घर पहुंचे या नहीं। अंधेरा काफी था, मेरी बहन को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह छत से लौटने वाली ही थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई दौड़कर हमारे बगान में आया और सामने नीम के पेड़ के नीचे छुप गया। मेरी बहन ने पूछा, कौन है? उनकी आवाज आई, मैं हूं। आप चाचा जी के यहां गए नहीं? खेत में कुएं के पास कोई बैठा हुआ है। गांव में रात के अंधेरे में चोरों का ही आतंक रहता है। उनकी इस बात को सुनकर हम लोगों को चोर के होने का ही अंदेशा हुआ। जल्दी जल्दी पिछवाड़े का दरवाजा खोला गया। पूछने पर उन्होंने हमारे अंदेशे को गलत बताते हुए कहा कि वह आदमी नहीं, भूत प्रेत जैसा कुछ है, क्योंकि कुएं के पास उसकी दो लाल लाल आंखें चमक रही हैं। तब जाकर हम लोगों को ध्यान आया कि कुएं के पास खेत में पानी पटाने वाला डीजल पंप रखा है और उसमें ही दो लाल बत्तियां जलती हैं। जब उन्हें यह बात बताया गया तो उन्होंने एकदम से झेंप कर कहा, ओह हम तो उससे डर खा गए। बेचारे कर भी क्या सकते थे। इस डर खाने की कहानी ने तुरंत बखानी गई। उनकी निडरता की कहानियों के पोल को खोल दिया था। फिर थोड़ी ही देर बाद वे चले गए और हमारे घर के माहौल की तो पूछिए मत। हम लोगों को तो बस हंसने का एक बहाना मिल गया था। वैसे कुछ कुएं सच में शापित होते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब। आज की कहानी उत्तर प्रदेश की रहने वाले रोहन की है, जिसके साथ उस रात को रेलवे स्टेशन पर एक खतरनाक डायन से सामना हुआ था। आखिर उसके साथ उस रात क्या क्या हुआ था, तो चलिए जानते हैं आज की कहानी रोहन की जुबानी। यह हादसा उस समय का है जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ था और वो उस समय यूपी के बदायूं में थे। मुझे उनका शोक संदेश बदायूं से 35 किमी दूर उनके गांव में देने जाना था। मैं गांव जाकर उनकी पैतृक परिवार को शोक संदेश पहुंचाया और फिर गांव से बाहर आकर बस स्टॉप पर खड़ा हो गया। उस समय वहां कोई भी गाड़ी नहीं थी। उस समय सर्दियां चल रही थी और मुझे बड़े जोरों की ठंड लग रही थी। मैंने थोड़ी दूर पर एक चाय स्टॉल वाले को देखा और उसके पास गया और उनसे गाड़ी के बारे में पूछा। उसने बताया कि अभी तो कोई बस नहीं मिलेगी, लेकिन इस रेलवे ट्रैक पर 1 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है और रात 9 बजे आखिरी ट्रेन जाती है। मैंने बिना देरी किए
उस रेलवे ट्रैक पर चलना शुरू कर दिया। 200 मीटर चलने पर मुझे एक औरत दिखाई दी और मैं भागकर उसके पास पहुंचना चाहता था ताकि वो मुझे रेल के बारे में बता सके। मैं जैसे ही उसके पास गया और उससे स्टेशन के बारे में पूछना चाहा तो बोली, मुझे कुछ नहीं पता और यहां से भाग जाओ। मैं उसके पीछे पीछे चलता गया और थोड़ी देर बाद देखा तो उसकी चाल मुझे अजीब लग रही थी। मैं अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर उस औरत को देखना चाहता था कि ये औरत इतनी रात को इस रेलवे ट्रैक पर क्या कर रही है। जैसे ही मैंने टॉर्च जलाया, वो औरत बोली, टॉर्च बंद कर दे वरना तेरी सांसें बंद कर दूंगी। मैं उसकी आवाज सुनकर डर गया और वापस उस स्टॉल वाले की तरफ चलने लगा। थोड़ी देर चलने पर मुझे उस औरत के जोर से हंसने की आवाज आई और बोली, मैंने आज एक शिकार पहले ही कर लिया है, इसलिए मैं तेरा कुछ नहीं करूंगी। ये कहते ही वो जोर से मेरी तरफ आई और जब तक मैं कुछ कर पाता तब तक उसने मेरे हाथ को जोर से पकड़ा और मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा वहां कोई भी नहीं था। मैं जोर से रेलवे स्टेशन की तरफ भागा और वहां सीधे स्टेशन मास्टर के कमरे में चला गया और उनको सब बताया तो उन्होंने मुझे चाय पिलाई और कहा कि जिससे तुम मिलकर आए वो एक डायन थी, आज तुम बच गए। ये आज से कई साल पहले इस ट्रैक के नीचे कटकर मर गई थी और उसकी आत्मा आज भी इस ट्रैक पर भटकती है। अब मैं सारा माजरा समझ गया और ट्रेन में बैठकर दादी के यहां चला गया। इस घटना के बाद से मुझे ट्रेन और रेलवे ट्रैक से बहुत डर लगता है। तो दोस्तों, आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसी ही दिलचस्प डरावनी कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डर या खौफ को देखा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। डर एक अनुभूति है, ये अनुभव व्यक्ति को कभी भी किसी भी समय हो सकता है। ऐसा नहीं है कि डर को पार नहीं लगाया जा सकता। एक पुरानी कहावत है कि अपने डर को जीतकर ही व्यक्ति सफल बनता है। बहरहाल हम आपसे यहां डर पर चर्चा नहीं करेंगे बल्कि आपको डर से रूबरू कराएंगे। आज हम आपको अवगत कराने वाले हैं एक ऐसे घर से जिसको सिर्फ देखने मात्र से ही आप डर के थरथर कांपने लगेंगे। जी हां, 21वीं सदी में भले ही ऐसी बातें आपको काल्पनिक लगें मगर यह सच है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के सेंट मार्क रोड पर गंगन चुंबी इमारतों, लोकप्रिय ब्रांडों और महंगे रेस्टोरेंटों के बीच एक बेहद सुनसान और दिल को दहला देने वाला घर जरूर आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगा। यदि आसपास के लोगों की माने तो यह घर वीराना है और इसमें भूतों और प्रेत आत्माओं का डेरा है। इस घर को यदि आप ध्यान से देखें तो आपको मिलेगा कि आज यह विशाल घर एक खंडहर में तब्दील हो गया है, जिसके आसपास घने पेड़ों और झाड़ियां के अलावा छोटे मोटे जीव जंतुओं ने अपना डेरा जमा लिया है। इस घर की पार्किंग में आपको एक पुरानी कार दिखेगी जो इस घर से ज्यादा डरावनी है। कहते हैं कि उस घर की मालकिन की आत्मा आज भी इस कार में वास करती है। इस हॉन्टेड हाउस के पास रह रहे लोगों की माने तो इस घर में इलाके की दो प्रभावशाली महिलाएं डल्सी और वेरावाज रहती थीं। साथ ही ये भी बताया जाता है कि चूंकि ये घर शहर के बीचों बीच और पॉश जगह पर था तो लैंड माफियाओं की नजर भी इस घर पर थी और उन लोगों ने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करी कि वेरावाज उस घर को बेच दें, लेकिन उन्होंने नहीं बेचा। अतः 2001 में इन्हीं भू माफियाओं ने वेरावाज की हत्या कर दी और उनकी बहन को भी कहीं गायब करा दिया। मजे की बात यह है कि जब भी भू माफियाओं ने इस घर को बेचना चाहा है, खरीदने वाले ने कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना किया है। यह भी बताया जाता है कि 2001 के बाद से ये घर खाली है और यहां से गुजरने वालों ने भी अक्सर रात के वक्त यहां अजीब गरीब चीजों को महसूस किया है। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि इस घर में एक पुरानी कार भी है, तो अब जब आप इस घर को गौर से देखेंगे
तो ये कार हिलमैन मिंक्स जरूर आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगी। इस घर और कार को देखने के बाद आप महसूस करेंगे कि जैसे आप कोई पुरानी हिंदी मूवी देख रहे हैं, जहां एक घर और कार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है कि वो आपको डरा सके। वैरावास के पड़ोसी बताते हैं कि उन्हें अपनी गाड़ी से बहुत प्यार था और आज भी अक्सर रात में इस गाड़ी को अपने आप स्टार्ट होते और इसके दरवाजे को बंद करने जैसी आवाजों को सुना गया है। तो अब यदि इस कहानी को पढ़ने के बाद आपका मन इसे देखने का हो तो कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर के सेंट मार्क रोड पर आएं और किसी से भी पूछ लें, वो व्यक्ति बिना किसी तकलीफ के आसानी से आपको इस घर का पता दे देगा। तो क्या आप यहां आना चाहेंगे? दोस्तों, ऐसी और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखा कि ये जिन से रिलेटेड स्टोरी है। दोस्तों, अगर आप भी अपना खुद का रियल एक्सपीरियंस मुझे भेजना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिख रही ईमेल आईडी पर आप अपने स्टोरीज मुझे सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप आपको मेरा ये फेस स्कैम का जो ये मैंने सीरीज स्टार्ट किया है ये पसंद आ रहा होगा। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सुनते हैं आज की ये खौफनाक कहानी। दोस्तों, ये कहानी है लॉकडाउन की। तो लॉकडाउन में ज्यादातर लोग अपना टाइम पास करने के लिए बहुत सारी चीजें करते थे और लॉकडाउन ने ही कई सारे लोगों को कमाना सिखा दिया। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ ये दरअसल तब की बात है कि जब लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था, उस वक्त मैं अपने गांव गई हुई थी जो कि कानपुर में है। तो कानपुर में जब मैं अपने गांव में गई तो वहाँ पर मतलब कि मेरी बहुत सारी कज़न थी और मेरी आसपास की फ्रेंड्स भी मुझसे मिलने के लिए आ चुकी थी। हम लोग छत पर बैठे बहुत सारी बातें करने लगे। तभी मैंने अपनी फ्रेंड्स को कहा कि यार चलो कुछ हॉरर स्टोरीज सुनाते हैं एक दूसरे को। तो हम लोग ऐसे ही बातें करने लगे, तभी मेरी एक कज़न आती है तो वो कहती, अरे ये सब भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ मन का वहम होता है और ये सारी फिजूल बातें होती हैं। और इतना कहकर वो हंसने लगी। तभी बगल में बैठी मेरी एक कज़न जिसका नाम जन्नत था, तो उसने बोला, लगता है इनको आफिया दीदी का मैटर नहीं पता है। तो हम लोगों ने कहा कि आफिया का क्या, आफिया का क्या? तो उसने कहा, अरे आप लोग को नहीं पता कि जो आफिया अप्पी थी उनके साथ क्या हुआ था? तो अब मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने कहा, यार बताओ, हम लोग इसीलिए तो बैठे हुए हैं। अब हम लोग सभी एक्साइटेड होकर एकदम ध्यान से वो सारी बातें सुनने लगे। तो जन्नत ने बताया कि जो आफिया है वो मतलब कि उसकी बुआ की सबसे छोटी बेटी थी, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। साथ ही अब भाई जाहिर सी बात है कि वो जो इंसान खूबसूरत होता है उसे ज़्यादातर, यानी कि सभी लोगों को नहीं बोल रहा, जो ज़्यादातर लोग होते हैं उनको अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड होता है, ठीक वैसे ही आफिया को भी था। तो क्या हुआ कि गाँव में जितने भी लोग थे सबकी नज़र आफिया पर ही होती, और जब कहीं पे भी जाए कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि आफिया को कोई छेड़ भी देता था। क्यों? क्योंकि उसकी खूबसूरती की वजह से। ये बात आफिया के अब्बू को मतलब बहुत बेकार लगती थी, तो उन्होंने कहा कि यार ये गांव में रहेगी तो कुछ ऊंच नीच बात हो गई तो इज्जत तो मेरी ही उछलेगी। तो उन्होंने क्या किया कि आफिया को दिल्ली भेज दिया उसके मामू के यहाँ पढ़ाई करने के लिए। आफिया वहीं पर ही रहकर पढ़ाई करने लगी और अपने मामी और मामू के कामों में हाथ बटाने लगी। धीरे धीरे इसी तरह वक्त गुजरता गया, लेकिन एक दिन खबर आई कि जो आफिया की जो दादी है उनका इंतकाल हो चुका है। जब ये बात सुनी तो उसके मामी मामू और आफिया तुरंत ही कानपुर के लिए निकल गए, लेकिन उनके पहुँचते पहुँचते क्या हुआ कि उसकी दादी को कब्रिस्तान में दफना दिया गया, जो कि ये बात आफिया को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी, क्योंकि आफिया को अपनी दादी से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। वो अपनी दादी से मतलब इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि मैं नहीं बता सकती। तो जिसकी वजह से वो सैड थी कि लास्ट टाइम भी
उसने अपनी दादी को नहीं देखा, तो उसने अपनी मतलब कि जो उसकी बड़ी अप्पी यानी कि उसकी जो सिस्टर थी आफिया की, तो उसने कहा कि अप्पी मुझे एक बार दादी के कब्र पर जाकर फातिया करना है, फातिया मीन्स की प्रेयर करनी है। लेकिन उसकी अप्पी ने कहा अरे नहीं, लड़कियों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर उसकी अप्पी चली गई। फिर आफिया ने क्या किया कि और दो तीन कजिन्स के साथ मतलब अपना ये सारी चीज़ें बोला कि यार मुझे दादी के कब्र पे जाना है, लेकिन सभी ने मना कर दिया। इसी तरह उसने घर परिवार में सबसे कहा लेकिन सब ने मना कर दिया। वो उदास होकर अपने घर के बाहर बैठ गई। तभी किस्मत से उसकी एक दोस्त जिसका नाम सिफा था वो आई। तो अब आफिया ने सिफा से कहा कि यार प्लीज़ मुझे मेरी दादी के कब्र पर जाना है, मुझे उनसे मिलना है, उनके लिए प्रेयर करनी है। तो उसने कहा नहीं यार, घर में किसी को पता चलेगा ना तो हम दोनों को मार पड़ेगी। तो उसने कहा बस हो गई, यही दोस्ती है यार, मतलब कि अब दोस्ती की खातिर तो इतना नहीं कर सकती। यानी कि आफिया जो थी वो सिफा को अब ब्लैकमेल करने लगी थी इमोशनली। तो उसने कहा कि यार चल ठीक है, अब तू इतना बोल रही है तो चल, लेकिन हाँ प्लीज यार जल्दी लौट कर आ जाएंगे, नहीं तो अगर घर में पता चला ना यार तो अम्मी अब्बू बहुत मारेंगे। आफिया ये सुनकर खुश हो गई और बोली अरे अरे तू चिंता मत कर, साथ में चलते हैं और जल्दी ही लौट आएंगे। उसके बाद जब आफिया और ये सिफा जब दोनों कब्रिस्तान गए तो देखा कि यार वहाँ का माहौल मतलब इतना ज़्यादा अच्छा था, मतलब कि इतने कब्रिस्तान में बहुत सारे अनार के पेड़ लगे हुए थे और अनार भी दिखने में एकदम लाल लाल एकदम अच्छे दिख रहे थे। वो गई और कब्रिस्तान के अंदर आफिया गई और सिफा भी गई थी, लेकिन वो थोड़ा दूर खड़ी थी। कुछ देर के बाद क्या हुआ कि दोनों घर लौट आए। उसके बाद क्या हुआ कि आफिया घर आकर वो अपना चुपचाप सो गई। दूसरे दिन जब वो उठी तो उसे पता चला कि सिफा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये सुनकर आफिया को भी बड़ा मतलब डर लगा कि यार अचानक सिफा को क्या हो गया। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और मतलब बताया गया कि वो पता नहीं क्या इधर उधर की बातें कर रही है। और शाम होते होते क्या हुआ कि आफिया की भी तबीयत खराब हो गई। जब उसके घर वालों ने देखा कि आफिया की तबीयत मतलब इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। उसके कुछ दिन के बाद मतलब कि वो घर लौट आई, लेकिन फिर से वही एक शिकायत ये थी कि उसका सर दर्द मतलब कि बहुत ज़्यादा होने लगा था। बहुत सारी दवाइयाँ कराने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, यानी कि उसका सर दर्द जो कि दवाइयों से जा ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि घर वालों ने यानी कि उसके मामी और मामू ने मतलब कि नोटिस किया कि ये जो आफिया है ये मतलब कि आपस मतलब अपने आप ही बात करती रहती है किसी से। साथ ही वो खाना जल्दी नहीं खाती थी, खाने के लिए केवल बस वो मिठाई या कोई मीठी चीज़ खाने को मांगती थी। उसकी नानी को धीरे धीरे शक होने लगा। एक दिन क्या हुआ कि उसकी नानी ने कमरे के बाहर से ये सुना कि रात के वक्त वो किसी से प्यार मोहब्बत की बातें कर रही है। उसकी दादी समझ गई कि जरूर ये कोई ऊपरी चक्कर है, क्योंकि उस वक्त तो आफिया के पास फ़ोन भी नहीं था कि हाँ वो फ़ोन से किसी से बात कर रही हो। दूसरे दिन उसकी नानी ने क्या किया, एक मौलवी को बुलाया। मौलवी जैसे ही आए तो आफिया एकदम आँखें घूर घूर कर मतलब उसको देखने लगी मौलवी को। अब मौलवी ने कुछ अपना पढ़ा उसके ऊपर फूका तो वो तुरंत आके एकदम शांत होके बैठ गई। फिर उसके बाद मौलवी ने उसके नानी मामी और उसके मामू को बताया कि आफिया के ऊपर एक जिन मतलब कि हावी हो चुका है। ये सुनकर सभी हैरान, उन्होंने कहा कि कैसे। तो उस मौलवी ने बताया कि ये कहीं गई हुई थी, वहाँ पे इसने अनार खाया है, यानी कि उसने जिस पेड़ पर जिन वास करता था उसने वहाँ का अनार तोड़कर खाया है, जिसकी वजह से वो जिन इसके ऊपर आसिक नहीं हुआ है बल्कि गुस्सा हो गया है। और उस मौलवी ने ये भी बताया कि इसकी एक सहेली है जिसने उसी पेड़ से अनार खाया है, जिसकी वजह से वो जिन इन दोनों लड़कियों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और तभी वो जिन इनको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जो जिन होता है वो अनार के पेड़ पर वास करता है। तो अब उसके घर वाले एकदम परेशान, उन्होंने कहा मौलवी कुछ तो करिए, हमारी बच्चियों को बचाइए। तो मौलवी ने कहा कि देखिए मैं इन्हें रोक तो नहीं सकता, यानी कि इसे काट तो नहीं सकता, बट हाँ कुछ समय के लिए मैं
इसको बचा के रख सकता हूँ, इसका इलाज आपको मैं जो मेरे से बड़े मौलवी हैं आपको उनसे करवाना होगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आफिया मतलब कि इसी तरह हरकतें करती रही और धीरे धीरे वो मतलब जैसे पागल सी हो गई। और एक दिन क्या हुआ कि वो छत पे गई और उसने वहीं से कूद के सुसाइड कर लिया। अब मतलब कि सब घर परिवार एकदम तबाह हो चुका था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और दूसरी साइड क्या हुआ कि जो सिफा थी वो भी पागल होके इसी तरह उसने भी सुसाइड कर लिया। लेकिन उनके घर वालों को पता था कि आखिर जो इन लड़कियों के साथ हुआ है, जो इन्होंने सुसाइड किया है, आखिर क्यों किया है, क्योंकि ये ऊपरी चक्कर था और जो जिन इन लड़कियों पे पॉजेस हो चुके थे। इसके बाद क्या हुआ कि उसके अम्मी अब्बू को ये नहीं पता चला कि भाई चलो ठीक है, आफिया के साथ जो ये हुआ तो हुआ, लेकिन जो सिफा थी यार वो तो बाहर खड़ी थी, तो उसने कैसे उस पेड़ के मतलब कि अनार उसको खाया, और फिर मतलब एक अनार खाने की वजह से मतलब ये सारा चीज़ हुआ। मतलब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था, बट जिन तो उन पर गुस्सा हुए थे। भाई हो सकता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि आपके घर पे सामान रखा हुआ है और आपसे बिना पूछे कोई चीज़ वो उठा के इस्तेमाल कर ले, तो जाहिर सी बात है कि आपको तो भाई गुस्सा तो आएगा ही। उसी तरीके जो जिन होते हैं वो भी अनार के पेड़ पर वास करते हैं, और भी कई सारे पेड़ होते हैं बट अनार के पेड़ पे ज़्यादा होते हैं। देन क्या हुआ कि भाई उनकी उनसे अगर उनकी चीज़ बिना पूछे अगर कोई भी लेगा तो गुस्सा तो करेंगे ही। तो शायद यही वजह था कि जो आफिया और सिफा की मौत हो गई। लेकिन हाँ, जो आफिया जो जन्नत थी उसने बताया कि आफिया जो है वो अपनी मामी के ख्वाबों में हर रोज आती है और वो रोती रहती है। तो अब ये सारी चीज़ें जब स्टोरीज हमने सुनी तो यार लगा कि हाँ यार सच में होते हैं जिन भूत प्रेत। तो गाइज यही थी वीडियो छोटी सी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, मैं फिर से यही बोलूँगा कि अगर आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई है, आप वहाँ पर ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। ये वो दिन की बात है जब राकेश पर फोटोग्राफर बनने का भूत सवार था। उसने अपने पापा से झगड़ा करके पैसे ले लिया और नया कैमरा खरीद लिया। उस समय में अपनी आसपास दिखती हुई हर रेख चीज और मनुष्य प्राणी वगैरह की फोटो खींचता रहता था और अपने आप को प्रोफेशनल फोटोग्राफर समझने लगा। लेकिन मेरी हालत तब खराब हुई जब मेरे कैमरे में एक भयानक डराने वाला प्रेत कैद हुआ। पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसमें मुझे कुछ अजीब सी दो आंखें दिख रही थीं और वो आंखें गुस्से से मेरे कैमरा के सामने देख रही थीं। डर के कारण मैंने वो फोटो को तुरंत ही डिलीट कर दिया और कैमरा को कबट में रख दिया। करीबन रात को 2 बजे के आसपास कबाट में से धीरे धीरे आवाज सुनाने लगा। मेन बहुत ही डर गया और डरते डरते मैंने कबाट का दरवाजा खोल के देखा कि कैमरा कवर में से बाहर आ गया था और कैमरे ने मेरे सामने लेंस करके फोटो क्लिक कर दिया। ये एक बहुत ही डराने वाली घटना थी। मैं तुरंत ही भाग के अपने रूम से बाहर निकल गया और घर के सारे लोगों को जगा दिया। ये पूरी घटना सुन के पापा मेरे रूम में गए और कैमरा चेक करने लगे, लेकिन मेरा कोई भी फोटो दिखाई नहीं दिया। पापा ने ये देखकर मुझे कहा कि ये सिर्फ तेरा भ्रम है। मुझे भी लगा कि ये मेरा भ्रम ही है। दूसरे दिन दोपहर में मैं नदी के तट पे बैठ के कैमरा से फोटो खींच रहा था। बाद में फोटो खींच लेने के बाद कैमरा में फोटो देखने लगा। उसमें मैंने देखा कि वो जो फोटो मैंने डिलीट कर दिया था वही भयानक फोटो मेरी मेमोरी में फिर से आ गया था। उसे देखकर मैं बहुत ही डर गया और तुरंत ही उसी फोटो को फिर से डिलीट कर दिया। जब मैंने बाकी के फोटो देखा तो मेरे पैर थर थर कांपने लगे। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि उसमें क्या था। ये वही फोटो था जिसके बारे में मैंने अपने पापा से बात की थी, और वही फोटो में मेरे पीछे लाल रंग की आंखें वाला प्रेत खड़ा था। इस टाइम पे मैंने वो फोटो डिलीट नहीं किया, लेकिन इसके अलावा बाकी के सारे फोटो डिलीट कर दिए।
और तुरंत ही कैमरा लेके सीधा पापा को दिखाने के लिए गया। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि जब मैंने पापा को कैमरे की मेमोरी दिखाई तो वह पूरी तरह से खाली थी। उस दिन मेरे पापा मुझ पे काफी गुस्सा हुए और मुझे बोले कि अगर तुझे ये कैमरा पसंद नहीं है तो उसे फेंक दे या फिर बेच दे, लेकिन ऐसी बेवकूफ वाली बातें लेकर मेरे पास मत आ। दूसरे दिन रात को फिर से मेरे साथ डर का आतंक शुरू हो गया। अब तो धीरे धीरे बंद कबट में से फोटो क्लिक की आवाज आने लगी। मुझे पता था कि ये कोई मेरा भ्रम नहीं है, क्योंकि मैं परलौलिक घटनाओं को नहीं मानने वाला एक संपूर्ण नास्तिक मानस हूं। सुबह मैंने हिम्मत करके कैमरा बाहर निकाला और फिर से मेमोरी देखने लगा। उसमें कोई भी भूत का फोटो नहीं था, लेकिन एक काली फ्रेम वाला फोटो मिला जिसमें लिखा था कि मुझको कैद करने भूल की, उसकी सजा तुझे तेरी जान देनी पड़ेगी। ये फोटो देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरी धड़कन एकदम से ही बढ़ गई। मुझे यह भी पता था कि यह धमकी वाला फोटो अगर किसी को दिखाने के लिए भी जाऊंगा उससे पहले मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। 45,000 रुपए में खरीदा हुआ कैमरा मैंने 20,000 रुपए में बेच दिया। मुझे नहीं पता था कि आखिर किस तरीके से वो भूत मेरे कैमरे में कैद हो गया, लेकिन वो भूत यही समझ रहा होगा कि मैंने उसे जानबूझ के कैमरे में कैद कर दिया। अब मुझे तो फोटोग्राफी और कैमरे से डर लगने लगा कि कहीं वो कैमरे वाला भूत मुझे मार तो नहीं देगा। तो दोस्तों, ये थी राकेश के साथ घटी घटना। तो इसके बारे में अपनी राय दे और जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह घटना 1999 के आसपास की है। दिल्ली में रहने वाले हमारे एक दूर के रिश्तेदार पहली बार हमारे गांव जगनपुरा में अपने एक नजदीकी रिश्तेदार के घर पर आए, पर वहां उनका मन नहीं लगता था। रिश्तेदार अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते और उनकी पत्नी अपने छोटे छोटे बच्चों में। वे वहां किससे और कितनी देर बातें करते, उनके यहां जाने में जानबूझकर देर करते थे और हमारे यहां बैठकर बातें करते रहते थे। बड़े गप्पी थे वो। अक्सर वे हमारे घर पहुंच जाते थे और घंटे दो घंटे गपशप करने के बाद खाना खाकर ही लौटते थे। एक दिन शाम को पहुंचे तो इधर उधर की बात होते होते भूत प्रेत पर जाकर रुक गई। भूत प्रेत का नाम सुनते ही उन्होंने अपनी शौर्य गाथाएं सुनानी शुरू की। फलाने जगह में भूत के भय से जाने से लोग डरते हैं, मैं वहां रात भर रहा, फलाने जगह पर ये किया वो किया, और हम सभी उनके हिम्मत के आगे नतमस्तक थे। मेरी मम्मी ने एक दो बार रात के समय इस तरह की बातें न करने की याद भी दिलाई, पर वो नहीं माने। नहीं चाची जी, भूत प्रेत कुछ होता ही नहीं है, वैसे ही मन का वहम है ये, और न जाने कहां कहां के ऐसे वैसे किस्से सुनाते ही रहे। उस दिन खाते पीते कुछ अधिक ही देर हो गई थी। रात के 11 बज गए थे। गांव में काफी सन्नाटा हो जाता है। उस घर के छत से आवाज दे देकर बच्चे बार बार बुला रहे थे। सामने के रास्ते से जाने से कई मोड़ पड़ने से उनका घर हमारे घर से कुछ दूर पड़ जाता था, पर खेत से होकर एक शॉर्टकट रास्ता था। हम लोग अक्सर उसी रास्ते से जाते आते थे। उन्होंने भी उस दिन उसी रास्ते से जाने का निश्चय किया। पीछे के दरवाजे से उन्हें भेजकर हम लोग दरवाजा बंद करके अंदर अपने अपने कामों में लग गए। अचानक मेरी छोटी बहन के दिमाग में क्या आया, छत पर जाकर देखने लगी कि वे उनके घर पहुंचे या नहीं। अंधेरा काफी था, मेरी बहन को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह छत से लौटने वाली ही थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई दौड़कर हमारे बगान में आया और सामने नीम के पेड़ के नीचे छुप गया। मेरी बहन ने पूछा, कौन है? उनकी आवाज आई, मैं हूं। आप चाचा जी के यहां गए नहीं? खेत में कुएं के पास कोई बैठा हुआ है। गांव में रात के अंधेरे में चोरों का ही आतंक रहता है। उनकी इस बात को सुनकर हम लोगों को चोर के होने का ही अंदेशा हुआ। जल्दी जल्दी पिछवाड़े का दरवाजा खोला गया। पूछने पर उन्होंने हमारे अंदेशे को गलत बताते हुए कहा कि वह आदमी नहीं, भूत प्रेत जैसा कुछ है, क्योंकि कुएं के पास उसकी दो लाल लाल आंखें चमक रही हैं। तब जाकर हम लोगों को ध्यान आया कि कुएं के पास खेत में पानी पटाने वाला डीजल पंप रखा है और उसमें ही दो लाल बत्तियां जलती हैं।
जब उन्हें यह बात बताया गया तो उन्होंने एकदम से झेंप कर कहा, ओह, हम तो उससे डर खा गए। बेचारे कर भी क्या सकते थे। इस डर खाने की कहानी ने तुरंत बखानी गई, उनकी निडरता की कहानियों के पोल को खोल दिया था। फिर थोड़ी ही देर बाद वे चले गए और हमारे घर के माहौल की तो पूछिए मत। हम लोगों को तो बस हंसने का एक बहाना मिल गया था। वैसे कुछ कुएं सच में शापित होते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब। आज की कहानी उत्तर प्रदेश की रहने वाले रोहन की है, जिसके साथ उस रात को रेलवे स्टेशन पर एक खतरनाक डायन से सामना हुआ था। आखिर उसके साथ उस रात क्या क्या हुआ था, तो चलिए जानते हैं आज की कहानी रोहन की जुबानी। यह हादसा उस समय का है जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ था और वो उस समय यूपी के बदायूं में थे। मुझे उनका शोक संदेश बदायूं से 35 किमी दूर उनके गांव में देने जाना था। मैं गांव जाकर उनकी पैतृक परिवार को शोक संदेश पहुंचाया और फिर गांव से बाहर आकर बस स्टॉप पर खड़ा हो गया। उस समय वहां कोई भी गाड़ी नहीं थी। उस समय सर्दियां चल रही थी और मुझे बड़े जोरों की ठंड लग रही थी। मैंने थोड़ी दूर पर एक चाय स्टॉल वाले को देखा और उसके पास गया और उनसे गाड़ी के बारे में पूछा। उसने बताया कि अभी तो कोई बस नहीं मिलेगी, लेकिन इस रेलवे ट्रैक पर 1 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है और रात 9 बजे आखिरी ट्रेन जाती है। मैंने बिना देरी किए उस रेलवे ट्रैक पर चलना शुरू कर दिया। 200 मीटर चलने पर मुझे एक औरत दिखाई दी और मैं भागकर उसके पास पहुंचना चाहता था ताकि वो मुझे रेल के बारे में बता सके। मैं जैसे ही उसके पास गया और उससे स्टेशन के बारे में पूछना चाहा तो बोली, मुझे कुछ नहीं पता और यहां से भाग जाओ। मैं उसके पीछे पीछे चलता गया और थोड़ी देर बाद देखा तो उसकी चाल मुझे अजीब लग रही थी। मैं अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर उस औरत को देखना चाहता था कि ये औरत इतनी रात को इस रेलवे ट्रैक पर क्या कर रही है। जैसे ही मैंने टॉर्च जलाया, वो औरत बोली, टॉर्च बंद कर दे वरना तेरी सांसें बंद कर दूंगी। मैं उसकी आवाज सुनकर डर गया और वापस उस स्टॉल वाले की तरफ चलने लगा। थोड़ी देर चलने पर मुझे उस औरत के जोर से हंसने की आवाज आई और बोली, मैंने आज एक शिकार पहले ही कर लिया है, इसलिए मैं तेरा कुछ नहीं करूंगी। ये कहते ही वो जोर से मेरी तरफ आई और जब तक मैं कुछ कर पाता तब तक उसने मेरे हाथ को जोर से पकड़ा और मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा वहां कोई भी नहीं था। मैं जोर से रेलवे स्टेशन की तरफ भागा और वहां सीधे स्टेशन मास्टर के कमरे में चला गया और उनको सब बताया तो उन्होंने मुझे चाय पिलाई और कहा कि जिससे तुम मिलकर आए वो एक डायन थी, आज तुम बच गए। ये आज से कई साल पहले इस ट्रैक के नीचे कटकर मर गई थी और उसकी आत्मा आज भी इस ट्रैक पर भटकती है। अब मैं सारा माजरा समझ गया और ट्रेन में बैठकर दादी के यहां चला गया। इस घटना के बाद से मुझे ट्रेन और रेलवे ट्रैक से बहुत डर लगता है। तो दोस्तों, आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसी ही दिलचस्प डरावनी कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वो दिन की बात है जब राकेश पर फोटोग्राफर बनने का भूत सवार था। उसने अपने पापा से झगड़ा करके पैसे ले लिया और नया कैमरा खरीद लिया। उस समय में अपनी आसपास दिखती हुई हर रेख चीज और मनुष्य प्राणी वगैरह की फोटो खींचता रहता था और अपने आप को प्रोफेशनल फोटोग्राफर समझने लगा। लेकिन मेरी हालात तब खराब हुई जब मेरे कैमरे में एक भयानक डराने वाला प्रेत कैद हुआ। पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि उसमें मुझे कुछ अजीब सी दो आंखें दिख रही थीं और वो आंखें गुस्से से मेरे कैमरा के सामने देख रही थीं। डर के कारण
मैंने वो फोटो को तुरंत ही डिलीट कर दिया और कैमरा को कबट में रख दिया। करीबन रात को 2 बजे के आसपास कबाट में से धीरे धीरे आवाज सुनाने लगा। मेन बहुत ही डर गया और डरते डरते मैंने कबाट का दरवाजा खोल के देखा कि कैमरा कवर में से बाहर आ गया था और कैमरे ने मेरे सामने लेंस करके फोटो क्लिक कर दिया। यह एक बहुत ही डराने वाली घटना थी। मेन तुरंत ही भाग के अपने रूम से बाहर निकल गया और घर के सारे लोगों को जगा दिया। ये पूरी घटना सुनके पापा मेरे रूम में गए और कैमरा चेक करने लगे, लेकिन मेरा कोई भी फोटो दिखाई नहीं दिया। पापा ने यह देखकर मुझे कहा कि यह सिर्फ तेरा भ्रम है। मुझे भी लगा कि यह मेरा भ्रम ही है। दूसरे दिन दोपहर में मैं नदी के तट पे बैठ के कैमरा से फोटो खींच रहा था। बाद में फोटो खींच लेने के बाद कैमरा में फोटो देखने लगा। उसमें मैंने देखा कि वो जो फोटो मैंने डिलीट कर दिया था, वही भयानक फोटो मेरी मेमोरी में फिर से आ गया था। उसे देखकर मैं बहुत ही डर गया और तुरंत ही उसी फोटो को फिर से डिलीट कर दिया। जब मैंने बाकी के फोटो देखा तो मेरे पैर थर थर कांपने लगे। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि उसमें क्या था। ये वही फोटो था जिसके बारे में मैंने अपने पापा से बात की थी, और वही फोटो में मेरे पीछे लाल रंग की आंखें वाला प्रेत खड़ा था। इस टाइम पे मैंने वो फोटो डिलीट नहीं किया, लेकिन इसके अलावा बाकी के सारे फोटो डिलीट कर दिए और तुरंत ही कैमरा लेके सीधा पापा को दिखाने के लिए गया। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि जब मैंने पापा को कैमरे की मेमोरी दिखाई तो वह पूरी तरह से खाली थी। उस दिन मेरे पापा मुझ पे काफी गुस्सा हुए और मुझे बोले कि अगर तुझे ये कैमरा पसंद नहीं है तो उसे फेंक दे या फिर बेच दे, लेकिन ऐसी बेवकूफ वाली बातें लेकर मेरे पास मत आ। दूसरे दिन रात को फिर से मेरे साथ डर का आतंक शुरू हो गया। अब तो धीरे धीरे बंद कबट में से फोटो क्लिक की आवाज आने लगी। मुझे पता था कि ये कोई मेरा भ्रम नहीं है, क्योंकि मैं परलौलिक घटनाओं को नहीं मानने वाला एक संपूर्ण नास्तिक मानस हूं। सुबह मैंने हिम्मत करके कैमरा बाहर निकाला और फिर से मेमोरी देखने लगा। उसमें कोई भी भूत का फोटो नहीं था, लेकिन एक काली फ्रेम वाला फोटो मिला जिसमें लिखा था कि मुझको कैद करने भूल की उसकी सजा तुझे तेरी जान देनी पड़ेगी। ये फोटो देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरी धड़कन एकदम से ही बढ़ गई। मुझे यह भी पता था कि यह धमकी वाला फोटो अगर किसी को दिखाने के लिए भी जाऊंगा उससे पहले मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। 45,000 रुपए में खरीदा हुआ कैमरा मैंने 20,000 रुपए में बेच दिया। मुझे नहीं पता था कि आखिर किस तरीके से वो भूत मेरे कैमरे में कैद हो गया, लेकिन वो भूत यही समझ रहा होगा कि मैंने उसे जानबूझ के कैमरे में कैद कर दिया। अब मुझे तो फोटोग्राफी और कैमरे से डर लगने लगा कि कहीं वो कैमरे वाला भूत मुझे मार तो नहीं देगा। तो दोस्तों, ये थी राकेश के साथ घटी घटना। तो इसके बारे में अपनी राय दें और जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विशाल नामक 40 वर्षीय व्यक्ति 7 माह के बाद अपने भरे पूरे परिवार में लौट रहा था। विशाल शहर से बाहर नौकरी करता था। 7 महीने का अपना पूरा पैसा इकट्ठा करके वह अपने घर लौट रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी थी और 2 बच्चे। विशाल रेलगाड़ी से अपने घर का सफर तय कर रहा था। रात काफी हो चुकी थी। ट्रेन में सवार सभी लोग अपनी अपनी बर्थ पर सो रहे थे, मगर विशाल की आंखों में नाम मात्र को नींद नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण उसे घर जाने की खुशी थी। घर जाने की खुशी में विशाल को नींद नहीं आ रही थी। विशाल के अलावा एक व्यक्ति ऐसा और भी था जो सोया नहीं था। उसकी बर्थ के सामने वाली बर्थ पर ही वह व्यक्ति बैठा था। अपने सामने चुपचाप बैठे व्यक्ति को विशाल ने देखा तो जाना कि वह ड्रैकुला की कहानी पढ़ रहा था। विशाल को लगा कि उसके सामने जो व्यक्ति बैठा है वह किताब पढ़ने के माध्यम से अपना वक्त बिता रहा है। शायद उसे भी नींद नहीं आ रही है। विशाल को लगा कि वह क्यों ना अपने सामने बैठे व्यक्ति से बातचीत करने में अपना समय गुजारे। इसी इरादे के साथ
विशाल ने उसे पुकारा। भाई साहब, किताब पढ़ रहे व्यक्ति ने उसकी आवाज को अनसुना सा करके उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। भाई साहब, दूसरी आवाज पर उसने किताब नीचे करके विशाल को सपाट दृष्टि से देखा। उसके चेहरे पर भी सपाट भाव ही थे। इस बार विशाल तनिक संकोच के साथ बोला, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, सामने बैठा व्यक्ति सपाट स्वर में बोला। विशाल मुस्कुराकर उससे बातों का सिलसिला जारी रखते हुए बोला, आपका नाम क्या है? सूर्य प्रताप, वह बोला। ओह, विशाल ने हलक से सांस छोड़ते हुए कहा, क्या आप भी अपने घर जा रहे हैं? नहीं, सूर्य प्रताप ने भरे स्वर में कहा। तो फिर आप अपने घर से कहीं और जा रहे हैं? विशाल ने मुस्कुराते हुए सामान्य स्वर में कहा। प्रताप ने उसे इस नजर से देखा मानो वह कुछ ना कहना चाहता हो। विशाल चेहरे से ऐसा प्रकट करने लगा मानो बराबर संकोच कर रहा हो। फिर बोला, मैं आज 7 महीने बाद अपने घर वापस लौट रहा हूं। अपने परिवार से मिलने की खुशी में मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आपसे बात ही कर लूं। आ, प्रताप कुछ ना बोला। वह उसकी बात पर सिर को इस तरह जुम्बिश देकर रह गया मानो उसकी बात पर सहमति जता रहा हो। प्रताप के हाव भाव से साफ जाहिर था कि वह बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वह निरंतर जता रहा था कि जैसे उसे इस समय बात करना बिल्कुल अच्छा ना लग रहा हो, मगर आज तो जैसे विशाल चुप रहने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वह बातों को बढ़ावा देते हुए बोला, भाई साहब, क्या आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं? हां, प्रताप अपने छोटे से उत्तर में बात को पूरा किया। मगर कैसे? विशाल बोला, क्या आपने कभी किसी भूत या प्रेत को अपनी आंखों से देखा है? उसके प्रश्न पर प्रताप ने चंद लम्हों तक उसे ध्यान पूर्वक इस तरह देखा मानो उससे बहुत कुछ कहना चाहता हो, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ कहने के स्थान पर प्रताप ने किताब अपने चेहरे के सामने की और उसे पढ़ने लगा। विशाल ऐसा देख उलझ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि प्रताप ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं देकर अपना चेहरा किताब में क्यों छुपा लिया। इस बार विशाल ने भरपूर संकोच भरे स्वर में कहा, आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया भाई साहब। जवाब के रूप में प्रताप ने अपने चेहरे के आगे लगी किताब हटाई तो उसका बहुत ही भयंकर चेहरा विशाल के सामने आ गया। प्रताप का चेहरा इतना डरावना हो चला था कि यदि कोई मानव उस चेहरे को देखकर अपने प्राण भी गवा बैठता तो हैरानी की बात नहीं थी। उसका डरावना चेहरा देखते ही विशाल की आंखों में मानो दुनिया भर का खौफ सिमट आया था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। विशाल की दोनों हथेलियां बर्थ से इस तरह सट गई थीं मानो उनके सहारे से वह उठकर खड़ा होना चाहता हो। उसकी पीठ पिछले भाग से सट गई थी। हद यह थी उसके खौफजदा रह जाने की कि वह सांस लेने में भी डर रहा था, या फिर यह कहा जाए कि सांसें खुद ही बाहर आते हुए भयभीत थीं। यहां तक कि उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। विशाल जान गया था कि उसके सामने मौजूद प्रताप कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक भूत है। विशाल बेबस रहकर अपने स्थान पर शिवाय बैठे रहने के कुछ ना कर सका। उसके सामने बैठा डरावना चेहरे व लंबे लंबे दांत वाला भूत ठहाके लगाकर बोला, अब तुम्हें विश्वास हो चला होगा कि आज के समय में भी भूत प्रेत जैसी चीजें मौजूद हैं। क्या तुम सचमुच भूत हो? विशाल ने भय से भरे स्वर में पूछा। अब भी तुझे यकीन नहीं आया मूर्ख? कोई बात नहीं, मैं जब तेरा खून पीऊंगा तब तुझे यकीन आ जाएगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मेरे 2 बच्चे और मेरी पत्नी घर पर मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर मैं मर गया तो उनका सहारा छिन जाएगा। मुझे जाने दो। कहते हुए विशाल अपने स्थान से सरकने लगा। वह भूत उसे देखकर मुस्कुराता रहा। विशाल भागने के चक्कर में अपने स्थान से फुर्ती के साथ उठा और दौड़ पड़ा। उसी समय भूत ने अपने स्थान पर बैठे रहकर ही दाहिना हाथ उठाया। उसका हाथ लंबा हो गया। वहीं बैठे रहकर उसने भाग रहे विशाल की गर्दन पकड़ ली और उसे अपनी तरफ घसीट लिया। विशाल चिल्लाया, बचाओ बचाओ। उसकी पुकार सुन रेल में सवार सभी यात्री उसके पास चले आए। विशाल ने देखा कि उसके पास आए सभी यात्रियों के चेहरे भी बहुत डरावने हो चले हैं। अब उसे यह समझने में ज्यादा वक्त न लगाकर ट्रेन में सवार सभी यात्री भूत हैं।
पूरी रेलगाड़ी भूतों से भरी थी। आहिस्ता आहिस्ता विशाल को चारों ओर से भूतों ने घेर लिया। इस चक्रव्यूह में फंसने के बाद विशाल का हार्ट अटैक आ गया। फिर जैसे तैसे विशाल अस्पताल पहुंचा। आज भी विशाल ये खौफनाक घटना को सोचकर कांप जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय दें और भी ऐसी डरावनी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर ले। तो मिलते अब एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। संसार के सबसे शक्तिशाली, समृद्ध और विकसित देश अमेरिका को नश्वरवादी विचारधारा में गिना जाता है। उनकी दृष्टि में ईश्वर व भूत प्रेतों के वजूद पर विश्वास ही नहीं किया जाता है। मगर इस धारणा को अस्वीकार कर देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपतियों का सरकारी भवन व्हाइट हाउस ही काफी है, जहां हमेशा कम से कम 7 भूत सदा से निवास करते आए हैं। अनेक बार तो कई अमेरिकी राष्ट्रपति भी इनको कभी ना कभी देख चुके हैं। तो दोस्तों, तैयार हो एक ऐसी विचित्र और डरावनी कहानी देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको यहां मिलने वाले हैं बहुत सारे हॉरर और रहस्यमयी कहानियां। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की सन 1865 में वॉशिंगटन के एक नाटक गृह में हत्यारे जॉन विल्कस बूथ ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृत अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का शव को एक विशेष अलमारी में रखकर आम जनता के दर्शनों के लिए अमेरिका के प्रमुख नगरों से लेकर गया। वह रेल हर स्टेशन पर कुल 10 मिनट रुकती थी। रेल के द्वारा की जा रही शव यात्रा के बाद रात को 9 बजे संपूर्ण अमेरिका में उन सभी रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरती काले रंग की एक विचित्र दूसरी रेलगाड़ी भी देखी गई। उसमें भी अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकन का शव दिखाई दे रहा था। रेल के सभी डिब्बे में राष्ट्रपति लिंकन के ताबूत के पीछे वाला डिब्बा सबसे विचित्र था। हजारों लाखों लोगों ने देखा, उस रेल के डिब्बे में कई कंकाल विभिन्न वाद्य यंत्र बजा रहे थे। उनके द्वारा बजाई जा रही धुनें ऐसी थीं कि अच्छो अच्छो की सिटी विटी गुल हो गई। यह ट्रेन जितने भी स्टेशनों से निकली, उन स्टेशनों की घड़ियां 10 मिनट तक रुकी रही। इस डरावनी घटना के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपतियों के सरकारी आवास व्हाइट हाउस में हर खास अवसर पर मृत राष्ट्रपति लिंकन का भूत दिखाई देता रहा है। उसे संसार का महानतम राजनीतिज्ञों, शासनाध्यक्षों और कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों और उनके परिवारों ने खुद देखा व कर्मचारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का भूत स्वयं देखा या महसूस किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बेंजामिन हैरिसन के कार्यकाल में सन 1890 की बात है। हैरिसन एक राजकीय दौरे पर टेक्सास जाना चाहते थे। उन्होंने अपने सुरक्षा गार्ड जॉन केनी को तैयार होने का आदेश दिया। वह अपना रिवॉल्वर साफ कर रहा था, तभी उसे अपने कमरे के मुख्य द्वार पर एक व्यक्ति खड़ा दिखा। केनी ने सोचा कि राष्ट्रपति का बुलावा होगा, मगर इससे पहले कि केनी कुछ समझ पाता, वह व्यक्ति अपना काला कोट संभालता हुआ एक दीवार में प्रवेश कर गायब हो गया। केनी साफ देख लिया था कि वह राष्ट्रपति लिंकन का भूत था। सन 1890 से 1892 के बीच केनी को लगभग 35 बार लिंकन का भूत दिखाई दिया था। वह केनी को बड़ी नाराजगी भरी नजरों से देखता था। केनी इससे पहले लिंकन का सुरक्षा गार्ड था। लगता था कि लिंकन अपनी अकाल मृत्यु का जिम्मेदार केनी की लापरवाही को मानते थे। खैर, सन 1895 में केनी का धैर्य टूट गया। उसने बाल्टीमोर प्रांत की एक विशेष सभा में भूत विशेषज्ञों की मदद से लिंकन के भूत का आह्वान किया। उस मौके पर केनी ने विनती की, कृपया करके मुझे माफ कर दो श्रीमान लिंकन, मैं अब राष्ट्रपति बेंजामिन हैरिसन की सुरक्षा कर रहा हूं। इसके बाद लिंकन की प्रेतात्मा ने केनी को तो कभी परेशान नहीं किया, मगर लिंकन की आत्मा ने अपने प्रिय शयन कक्ष को सन 1940 तक नहीं छोड़ा। सन 1944 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने यह निश्चित किया कि दूसरी मंजिल के शयन कक्ष में सोया करेंगे।
इसके लिए राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस की सफाई कर्मी मेरी बैन को कमरा साफ करने के लिए 4-5 नौकरों के साथ भेजा गया। थोड़ी देर बाद सभी भागते चीखते चिल्लाते वापस लौट आए। मेरी ने कहा कि कमरे में प्रवेश करते ही सभी चकित रह गए। वहां तो लिंकन सामने चेयर पर बैठे दिख रहे थे। उन्होंने ब्लैक कोट पहना हुआ था और नीचे झुककर अपने सूज बांध रहे थे। यह देखकर वे सब डरकर वापस भाग आए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, लिंकन की प्रेतात्मा गायब भी हो गई। रूजवेल्ट ने इस घटना पर यह विचार किया कि लिंकन को अपने रूम से काफी लगाव हो गया था। फिर उन्होंने यह विचार कर उस कमरे में नहीं सोएंगे, परंतु अगले ही दिन उन्होंने ये आदेश दिया कि पहले उसी कमरे की सफाई करें। एक बार रेडियो में दिए जा रहे साक्षात्कार में रूजवेल्ट ने कहा कि वह अपनी कुर्सी पर बैठे कुछ विचार कर रहे थे, तभी उन्होंने लिंकन के प्रेत को एक तस्वीर के पीछे से निकल कर आकर एक अलमारी में घुसते देखा। बाद में राष्ट्रपति रूजवेल्ट को राष्ट्रपति भवन के विभिन्न कमरों तथा हॉल में लिंकन की आत्मा घूमती दिखाई दी। उन्होंने कहा कि लिंकन का प्रेत खामोश, संयत और रौबदाब वाला है। पता नहीं क्यों लिंकन की आत्मा दुखी रहती है। सन 1945 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट की रहस्यमय कारणों से मृत्यु हो गई। उससे पहले भी कम से कम 3-4 बार उनको लिंकन का भूत नजर आया था। हर वर्ष अप्रैल के महीने में लिंकन का प्रेत राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में जरूर नजर आता है। यही वह माह था जब उनकी हत्या की गई थी। लिंकन की आत्मा को देखकर एक बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल तो डरकर अपने बिस्तर से निकल भागे थे। उन्हें दूसरी मंजिल में लिंकन के प्रिय रूम में ठहरा दिया गया था। नीदरलैंड की महारानी विल्हेमिना को अमेरिकी यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस के रोज रूम में ठहराया गया था। उसी अवसर पर उनके डोर पर नाइट में दस्तक हुई। उन्होंने सोचा कि कोई खास संदेश लेकर कोई नौकर आया होगा। उन्होंने दरवाजा खोला। बाहर लिंकन का भूत था। महारानी के डरे चेहरे को देखकर लिंकन ने परेशान चेहरा बनाया और वहां से चला गया। राष्ट्रपति ट्रूमैन के कार्यकाल के वक्त परमाणु बम का आविष्कार किया गया था। उन्होंने भी एक रात अपने कमरे के सामने लिंकन की आत्मा को देखा था। यह बात ट्रूमैन ने अखबार के साक्षात्कार में स्वयं ने बताई थी। राष्ट्रपति आइजनहावर को भी लिंकन के भूत की उपस्थिति का कई बार एहसास हुआ, मगर उन्होंने उधर ज्यादा विचार नहीं दिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1945 में जापान पर परमाणु बम से हमला किया जाने के बाद लिंकन का प्रेत को कई रातों तक लगातार देखा जाता रहा था। वह साफ साफ चिंतित तथा अत्यधिक दुखी नजर आया था। सन 1950 के बाद से लिंकन का भूत आम तौर पर दिखाई देना बंद हो गया था, मगर पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी ने अपनी हत्या के कुछ दिन पूर्व उन्हें लिंकन का भूत दिखाई दिया था। उन्होंने तब यह भी मजाक किया था कि लगता है मुझ पर गोलियां चलने वाली हैं। मरने से पहले खुद लिंकन ने व्हाइट हाउस में कई बार भूतों को देखा और आभास किया था। लिंकन का मृत साला अलेक्जेंडर भी अक्सर नजर आया करता था। राष्ट्रपति क्लीवलैंड की पत्नी को राष्ट्रपति भवन में जन्मे अपने बेटे से बेहद प्यार था। वह राष्ट्रपति भवन में ही अचानक अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उसकी आत्मा भी कई अवसर पर लोगों को नजर आया। राष्ट्रपति विल्सन की पत्नी को व्हाइट हाउस में लगे गुलाब के फूलों की क्यारी का स्थान पसंद नहीं आया था। उन्होंने गुलाबों की क्यारी का स्थान बदलने का विचार किया। ये गुलाब पूर्व राष्ट्रपति मेडिसन की पत्नी ने लगाए थे। अंतिम समय तक पूर्व राष्ट्रपति मेडिसन की पत्नी को गुलाबों की बेहद चिंता थी। जब श्रीमती विल्सन के कहने पर माली गुलाबों की क्यारी को खोदने के लिए गया, तो वहां श्रीमती मेडिसन का भूत अचानक आ गया और बोला, खबरदार जो हाथ लगाया फूलों को। श्रीमती विल्सन को यह पता चला तो उन्होंने माली को कामचोर तथा बहाना बनाकर काम नहीं करने की बात कही। खुद क्यारी बनाने का इरादा बनाया। वह बगीचे में पहुंची तो खुद पाया कि श्रीमती मेडिसन एक क्यारी में खड़ी थी। व्हाइट हाउस में भूत। राष्ट्रपति एडम्स की पत्नी का भूत भी व्हाइट हाउस में अनेक मौकों पर बार बार देखा तथा महसूस किया। वह एक बार कपड़े सुखाने की जगह
और दो बार लाइब्रेरी में कुछ ढूंढता हुआ देखा गया था। कई बार अन्य जगह भी देखा गया। एक अज्ञात कर्मचारी की आत्मा भी अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस की रसोई में अक्सर नजर आता रहा है, मगर उसे महिला कर्मचारियों के अलावा किसी अन्य द्वारा नहीं देखा गया। राष्ट्रपति हार्डिक की आत्मा एक ही बार दिखाई दी, वह भी तब जब उनकी एक फोटो मौके से हटाकर शीशा बदलने को ले जाई जा रही थी। ये सभी डरावनी चीजें उसी व्हाइट हाउस में रहने वाले लोगों के साथ घटित होती थीं, जो कई सालों तक लोगों को परेशान करता रहा। वैसे अगर आप अब्राहम लिंकन के साथ घटी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रही इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डर या खौफ को देखा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। डर एक अनुभूति है। यह अनुभव व्यक्ति को कभी भी किसी भी समय हो सकता है। ऐसा नहीं है कि डर को पार नहीं लगाया जा सकता। एक पुरानी कहावत है कि अपने डर को जीतकर ही व्यक्ति सफल बनता है। बहरहाल हम आपसे यहां डर पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आपको डर से रूबरू कराएंगे। आज हम आपको अवगत कराने वाले हैं एक ऐसे घर से जिसको सिर्फ देखने मात्र से ही आप डर के थरथर कांपने लगेंगे। जी हां, 21वीं सदी में भले ही ऐसी बातें आपको काल्पनिक लगें, मगर यह सच है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के सेंट मार्क रोड पर गंगनचुंबी इमारतों, लोकप्रिय ब्रांडों और महंगे रेस्टोरेंटों के बीच एक बेहद सुनसान और दिल को दहला देने वाला घर जरूर आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगा। यदि आसपास के लोगों की माने तो यह घर वीराना है और इसमें भूतों और प्रेत आत्माओं का डेरा है। इस घर को यदि आप ध्यान से देखें तो आपको मिलेगा कि आज यह विशाल घर एक खंडहर में तब्दील हो गया है, जिसके आसपास घने पेड़ों और झाड़ियां के अलावा छोटे मोटे जीव जंतुओं ने अपना डेरा जमा लिया है। इस घर की पार्किंग में आपको एक पुरानी कार दिखेगी जो इस घर से ज्यादा डरावनी है। कहते हैं कि उस घर की मालकिन की आत्मा आज भी इस कार में वास करती है। इस हॉन्टेड हाउस के पास रह रहे लोगों की माने तो इस घर में इलाके की दो प्रभावशाली महिलाएं डल्सी और वेरावाज रहती थीं। साथ ही ये भी बताया जाता है कि चूंकि ये घर शहर के बीचों बीच और पॉश जगह पर था, तो लैंड माफियाओं की नजर भी इस घर पर थी और उन लोगों ने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करी कि वेरावाज उस घर को बेच दें, लेकिन उन्होंने नहीं बेचा। अतः 2001 में इन्हीं भू माफियाओं ने वेरावाज की हत्या कर दी और उनकी बहन को भी कहीं गायब करा दिया। मजे की बात यह है कि जब भी भू माफियाओं ने इस घर को बेचना चाहा है, खरीदने वाले ने कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना किया है। यह भी बताया जाता है कि 2001 के बाद से यह घर खाली है और यहां से गुजरने वालों ने भी अक्सर रात के वक्त यहां अजीब गरीब चीजों को महसूस किया है। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि इस घर में एक पुरानी कार भी है, तो अब जब आप इस घर को गौर से देखेंगे तो ये कार हिलमैन मिंक्स जरूर आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगी। इस घर और कार को देखने के बाद आप महसूस करेंगे कि जैसे आप कोई पुरानी हिंदी मूवी देख रहे हैं, जहां एक घर और कार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है कि वो आपको डरा सके। वेरावाज के पड़ोसी बताते हैं कि उन्हें अपनी गाड़ी से बहुत प्यार था और आज भी अक्सर रात में इस गाड़ी को अपने आप स्टार्ट होते और इसके दरवाजे को बंद करने जैसी आवाजों को सुना गया है। तो अब यदि इस कहानी को पढ़ने के बाद आपका मन इसे देखने का हो तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के सेंट मार्क रोड पर आए और किसी से भी पूछ लें, वो व्यक्ति बिना किसी तकलीफ के आसानी से आपको इस घर का पता दे देगा। तो क्या आप यहां आना चाहेंगे? दोस्तों, ऐसी और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
ये बात 2012 की एक मीना नाम की लड़की की है जो उस खौफनाक राज की शिकार हुई थी। तो आइए जानते हैं मीना की जुबानी आज की कहानी। वैसे तो मेरे पति मेरा खूब ख्याल रखते थे, पर जब उन्हें गुस्सा आए तब वह अजीब इंसान की तरह पेश आने लगते और उनकी आवाज भी भारी हो जाती। मुझे लगा था कि शायद गुस्सा होने पर ऐसा बदलाव आता होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके उस भयानक बर्ताव की वजह कुछ और ही थी। एक रात मैं और मेरे पति सोए हुए थे, तभी अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे पति गहरी गहरी सांसें ले रहे थे और नींद में बोले जा रहे थे कि मुझे छोड़ दो, बस करो बस करो, मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। यह सब सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उन्हें फौरन जगा दिया और उसे पूछा कि क्या बात है, तुमसे क्या गलती हो गई थी और नींद में ये सब तुम क्या बड़बड़ा रहे थे। मेरे पति ने बात टालने की कोशिश की और वह बिना सफाई दिए सोने लगे। मैंने उनसे फिर से वही सवाल दोहराया। इस बार उन्होंने गुस्से में मुझे थप्पड़ मार दिया। यह पहली बार था जब उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। उस रात मैंने ठान लिया कि इस राज का पता लगाऊंगी। अगले ही दिन सुबह मैंने अपनी सांस को अपने पति की कसम देकर सारे राज उगलवा लिए। मुझे मेरी सांस से मालूम पड़ा कि हमारी शादी होने से पहले मेरे पति की एक और जगह सगाई हुई थी और 3 महीने के अंदर वह सगाई टूट गई थी। सगाई टूटने के गम में उस लड़की ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी और वही लड़की प्रेत बनकर मेरे पति को सताती रहती है। ऐसे किस्सों में दूसरे परिवार लड़की देते नहीं हैं, इसलिए मेरे ससुराल वालों ने यह बात हमसे छुपाई थी। उसी रात मैंने अपने पति से खूब झगड़ा किया और मैंने तलाक लेने का मन बना लिया। चूंकि इतना बड़ा राज उसने मुझसे छुपाकर हम सबको धोखा देकर मुझसे शादी की थी। उस रात करीब 3 बजे मेरे पति ने मुझे जगाया और अचानक मुझसे कहा कि बेडरूम से बाहर निकल जाओ। उस वक्त उनकी आंखें लाल लाल थीं और वह ऐसे मेरी ओर देख रहे थे जैसे कि मैं कोई अजनबी हूं। मुझे पता था कि अगर मैंने इस वक्त विरोध किया तो वह मारपीट पर उतर आएगा, इसलिए मैं चुपचाप वहां से बाहर ड्राइंग रूम में आ गई। मुझे नींद तो आनी नहीं थी, इसलिए पड़ी पड़ी सोच रही थी कि आगे का जीवन कैसे बिताऊंगी। तभी अचानक बेडरूम से किसी के बातें करने की आवाजें आने लगी। मेरा तो दिल ही बैठ गया, चूंकि वहां मेरे पति के अलावा कोई भी नहीं था। मैंने फौरन ही हॉल से झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। हमारे बेडरूम में पंखे से एक लाश लटक रही थी और पास बैठा मेरा पति बेतहाशा रोए जा रहा था और पास खड़ी दूसरी परछाई से बातें कर रहा था। यह सब देखकर मेरा तो सिर चकरा गया। मैंने तुरंत अपने सास और ससुर को जगाया और बेडरूम खुलवाने को कहा। थोड़ी ही देर में मेरा पति बाहर आ गया और सारी बातों से मुकर गया और उस वक्त कमरे में भी कुछ नहीं था। अगले ही दिन मैं अपने माता पिता के घर गई और उन्हें सारी घटना बताई। मेरे पापा और मां मुझे लेकर एक ओझा बाबा के पास गए। फिर हमने उन्हें यह सब बातें बताई तो उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखकर कहा कि जिस लड़की से उनकी सगाई टूटी थी वह आपके पति और ससुराल वालों से त्रस्त होकर मरी है और वह लड़की तभी से बदला लेने के लिए वहीं प्रेत बनकर मंडरा रही है। आपके पति के शरीर, मन और दिमाग पर उस प्रेत का पूरा कंट्रोल है और वह कभी भी जानलेवा हमला कर सकती है। अगले ही दिन हमने तलाक का प्रोसेस शुरू कर दिया और उस भयानक माहौल से मैं बाहर आ गई। यह मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज भी जिंदा हूं, सलामत हूं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरे धोखेबाज पति और उनकी एक्स मंगेतर के लफड़े में कहीं मैं जान से जाती। और भी खौफ से भरे कहानियां सुनने के लिए प्लीज सब्सक्राइब। डेहरा कब्रिस्तान हिंदुस्तान के सबसे हॉन्टेड जगह में से एक है। कहते हैं कोई भी रात के 11 बजे के बाद उस कब्रिस्तान के आगे से नहीं जा सकता। उसके अंदर से जाना तो दूर की बात है, कोई उस कब्रिस्तान के आगे से भी नहीं जा सकता। इस कब्रिस्तान की दीवारें
लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई है और कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहां से जाता है तो वो जिंदा नहीं बचता। कहते हैं वहां जितनी भी बुरी शक्तियां हैं उनकी वो दीवारें एक सीमा है, मतलब कोई भी बुरी शक्ति उस कब्रिस्तान की दीवारों से आगे नहीं जा सकती। अगर कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहां से जाता है तो उस बुरी शक्ति उसे बस उस कब्रिस्तान की सीमा तक ही मार सकती है, ना तो उसे पहले ना तो उसके बाद। आज की जो यह कहानी है वो डेहरा कब्रिस्तान के पास के ही गांव में रहने वाले मुकेश जी के साथ घटित घटना है। अब यह कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में जारी रखूंगा। मेरा नाम मुकेश है, मैं टांगा चलाने वाला हूँ। वो रविवार का दिन था, शाम के 7 बजे थे और मैं अपने घर पर था। तभी वहाँ राजू आया। राजू हमारे गांव का तो नहीं था पर उसे कुछ खेत हमारे ही गांव में थे जिसके कारण वो यहाँ आते रहता था। राजू ने मेरे पास आकर कहा कि उसकी घास उसके खेत में कटी रखी है और उसकी घास को उसके घर तक छोड़ना था। उसका गांव हमारे गांव से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। मैंने भी हाँ बोल दिया और यह सोचा कि रात के 11 बजे से तो पहले ही आ जाऊंगा। मैं आ भी जाता पर घास लौट करने में काफी समय लग गया था, इसलिए मुझे राजू के गांव पहुंचने में ही 10 बज गए थे और घास टांगे से नीचे रखने में भी काफी समय लग गया था। और इस वजह से राजू मुझे बार बार अपने ही घर में रुकने को बोल रहा था क्योंकि उसके गांव से हमारे गांव को बस एक रास्ता था जो उस डेहरा कब्रिस्तान के आगे से होकर जाता था। एक बार को तो मेरा दिल भी राजू की बात मान जाने को कर रहा था पर मैं घर नहीं गया तो मेरे घर वाले परेशान हो जाते। ना मेरे पास कोई फोन था और ना ही मेरे घर वालों के पास। मेरे घर में मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे, मेरी बीवी और मेरे माता पिता थे। मुझे उन सब की चिंता ने आने पर मजबूर कर दिया था और अब मैं उस कब्रिस्तान के पास आ गया हूँ। मैंने अपनी घड़ी में समय देखा, रात के 11 बज चुके थे। पहले तो मैंने लौट जाने को सोचा, फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करी और आगे बढ़ा। मैं अभी कुछ ही आगे गया था तभी मुझे ऐसा लगा कोई मेरे टांगे पर आकर बैठ गया हो। मैंने एकदम से पीछे मुड़ कर देखा पर वहां कोई नहीं था, पर मुझे अभी भी यह लग रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा हो। फिर जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरे टांगे में जैसे वजन बराच गया हो। मैं जैसे जैसे आगे बिराच रहा था टांगे में भी वजन बढ़ाते जा रहा था। अब पीछे इतना वजन हो गया था कि मेरा टांगा आगे से थोड़ा थोड़ा उठने लगा था और मेरा घोड़ा भी अब लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। मैं अब समझ गया था कि वो इसमें आ गई हैं और अब शायद मैं ना बच पाऊंगा। फिर मुझे अपनी मम्मी की बात याद आई। उन्होंने मुझे बताया था कि यह भूत और आत्मा आग से थोड़ा डरते हैं। तभी मैंने अपने जेब में रखी बीड़ी निकाली और मैं बीड़ी पीने लगा। जैसे ही मेरी एक बीड़ी खत्म होती मैं दूसरी जला लेता। ऐसा करते करते मेरी पूरी बीड़ी खत्म गई। टांगे में इतना वजन हो गया था कि टांगा बहुत धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए मैं अभी कब्रिस्तान को आधा भी पार नहीं कर पाया था। सर्दी का समय था इसीलिए मैंने काफी कपड़े पहने थे। जैसे ही मेरी बीड़ी खत्म हुई तो मैंने जो कंबल उठा हुआ था उसे उतार कर मैंने उसमें आग लगा दी और कंबल की आग खत्म होने ही वाली थी तभी मैंने अपना स्वेटर निकाल कर जला दिया और स्वेटर की आग खत्म होती उसे पहले मैंने अपनी कमीज निकाल कर जला दी। जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही था इसलिए मैं अपने शरीर में पहने सभी कपड़े डीहुओं को जला रहा था। ऊपर के सभी कपड़े खत्म होने पर मैंने अपने पैजामा को उतार कर उसमें भी आग लगा दी। अब बस मेरा एक कच्छा ही बचा था, उसे पहले मेरे पैजामे की आग खत्म होती उसे पहले ही अब कब्रिस्तान की दीवारें पार होने वाली थी। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान पार करा तो देखा एक बड़ड़ी ही भयानक सी औरत मेरे टांगे से नीचे उतरी और उनसे कहा आज तो बच गया, तू पर अगली बार आया तो नहीं बचेगा। इतना बोलकर वो वहीं खड़ी रही और मैं अपने घर की ओर चला आया। उस दिन से मैं कभी उस रास्ते से रात में नहीं जाता। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने इस छोटे चैनल को सपोर्ट करिए ताकि आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेकर आए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।
Thanks for watching. डेहरा कब्रिस्तान हिंदुस्तान के सबसे हॉन्टेड जगह में से एक है। कहते हैं कोई भी रात के 11 बजे के बाद उस कब्रिस्तान के आगे से नहीं जा सकता। उसके अंदर से जाना तो दूर की बात है, कोई उस कब्रिस्तान के आगे से भी नहीं जा सकता। इस कब्रिस्तान की दीवारें लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई है और कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहां से जाता है तो वो जिंदा नहीं बचता। कहते हैं वहां जितनी भी बुरी शक्तियां हैं उनकी वो दीवारें एक सीमा है, मतलब कोई भी बुरी शक्ति उस कब्रिस्तान की दीवारों से आगे नहीं जा सकती। अगर कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहां से जाता है तो उस बुरी शक्ति उसे बस उस कब्रिस्तान की सीमा तक ही मार सकती है, ना तो उसे पहले ना तो उसके बाद। आज की जो यह कहानी है वो डेहरा कब्रिस्तान के पास के ही गांव में रहने वाले मुकेश जी के साथ घटित घटना है। अब यह कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में जारी रखूंगा। मेरा नाम मुकेश है, मैं टांगा चलाने वाला हूं। वो रविवार का दिन था, शाम के 7 बजे थे और मैं अपने घर पर था। तभी वहां राजू आया। राजू हमारे गांव का तो नहीं था पर उसे कुछ खेत हमारे ही गांव में थे जिसके कारण वो यहां आते रहता था। राजू ने मेरे पास आकर कहा कि उसकी घास उसके खेत में कटी रखी है और उसकी घास को उसके घर तक छोड़ना था। उसका गांव हमारे गांव से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। मैंने भी हां बोल दिया और यह सोचा कि रात के 11 बजे से तो पहले ही आ जाऊंगा। मैं आ भी जाता पर घास लौट करने में काफी समय लग गया था, इसलिए मुझे राजू के गांव पहुंचने में ही 10 बज गए थे और घास टांगे से नीचे रखने में भी काफी समय लग गया था। और इस वजह से राजू मुझे बार बार अपने ही घर में रुकने को बोल रहा था, क्योंकि उसके गांव से हमारे गांव को बस एक रास्ता था जो उस डेहरा कब्रिस्तान के आगे से होकर जाता था। एक बार को तो मेरा दिल भी राजू की बात मान जाने को कर रहा था, पर मैं घर नहीं गया तो मेरे घर वाले परेशान हो जाते। ना मेरे पास कोई फोन था और ना ही मेरे घर वालों के पास। मेरे घर में मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे, मेरी बीवी और मेरे माता पिता थे। मुझे उन सब की चिंता ने आने पर मजबूर कर दिया था और अब मैं उस कब्रिस्तान के पास आ गया हूं। मैंने अपनी घड़ी में समय देखा, रात के 11 बज चुके थे। पहले तो मैंने लौट जाने को सोचा, फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करी और आगे बढ़ा। मैं अभी कुछ ही आगे गया था तभी मुझे ऐसा लगा कोई मेरे टांगे पर आकर बैठ गया हो। मैंने एकदम से पीछे मुड़ कर देखा पर वहां कोई नहीं था, पर मुझे अभी भी यह लग रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा हो। फिर जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरे टांगे में जैसे वजन बराज गया हो। मैं जैसे जैसे आगे बिराज रहा था टांगे में भी वजन बढ़ाते जा रहा था। अब पीछे इतना वजन हो गया था कि मेरा टांगा आगे से थोड़ा थोड़ा उठने लगा था और मेरा घोड़ा भी अब लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। मैं अब समझ गया था कि वो इसमें आ गई हैं और अब शायद मैं ना बच पाऊंगा। फिर मुझे अपनी मम्मी की बात याद आई। उन्होंने मुझे बताया था कि यह भूत और आत्मा आग से थोड़ा डरते हैं। तभी मैंने अपने जेब में रखी बीड़ी निकाली और मैं बीड़ी पीने लगा। जैसे ही मेरी एक बीड़ी खत्म होती मैं दूसरी जला लेता। ऐसा करते करते मेरी पूरी बीड़ी खत्म गई। टांगे में इतना वजन हो गया था कि टांगा बहुत धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए मैं अभी कब्रिस्तान को आधा भी पार नहीं कर पाया था। सर्दी का समय था इसीलिए मैंने काफी कपड़े पहने थे। जैसे ही मेरी बीड़ी खत्म हुई तो मैंने जो कंबल उठा हुआ था उसे उतार कर मैंने उसमें आग लगा दी और कंबल की आग खत्म होने ही वाली थी तभी मैंने अपना स्वेटर निकालकर जला दिया और स्वेटर की आग खत्म होती उससे पहले मैंने अपनी कमीज निकालकर जला दी। जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही था इसलिए मैं अपने शरीर में पहने सभी कपड़े डीहुओं को जला रहा था। ऊपर के सभी कपड़े खत्म होने पर मैंने अपने पैजामा को उतार कर उसमें भी आग लगा दी। अब बस मेरा एक कच्छा ही बचा था, उसे पहले मेरे पैजामे की आग खत्म होती, उसे पहले ही अब कब्रिस्तान की दीवारें पार होने वाली थी। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान पार करा तो देखा एक बड़ड़ी ही भयानक सी औरत मेरे टांगे से नीचे उतरी
और उनसे कहा, आज तो बच गया, तू पर अगली बार आया तो नहीं बचेगा। इतना बोलकर वो वही खड़ी रही और मैं अपने घर की ओर चला आया। उस दिन से मैं कभी उस रास्ते से रात में नहीं जाता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने इस छोटे चैनल को सपोर्ट करिए ताकि आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेकर आए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है, हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। सब्सक्राइब करें और देखें हर फ्राइडे एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। रात के 12:30 बजे छूटता था। और वो 1:40 की लास्ट लोकल ट्रेन पकड़ता था। टाइम गुजारने के लिए वो हर रोज कॉलेज के बाजू में एक सीपिस था, वहां जाके पढ़ाई करता था। क्योंकि वहां कोई नहीं आता, बड़ी सुनसान सी जगह थी, ज्यादातर नील का टाइम अकेले ही गुजरता था। वो तो अपने कॉलेज के बुक्स पढ़ता या फिर नोटबुक्स में कुछ लिखता रहता। एक दिन सीपेस पे उसके साथ एक लड़की दिखी। वो लड़की उससे जरा दूर बैठी हुई थी। उसके बाल बहुत ही लंबे थे और चेहरे पे छाए हुए थे, इसीलिए नील उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पा रहा था। लेकिन वो लड़की नील को ही देख रही थी। नील ने पहले उस पे ध्यान नहीं दिया, फिर भी वो नील को ही देख रही थी। नील कोशिश कर रहा था कि उस पे ध्यान न दे, लेकिन न चाहते हुए भी उसका ध्यान उसी की ओर जा रहा था। आखिर नील ने अपना ध्यान उससे हटाया और अपने बुक्स पढ़ने लगा। हाय। मेरा नाम मारिया है, मैं यही बाजू में रहती हूँ। आपका नाम क्या है? नील एकदम से उसे देख के घबरा गया। उस लड़की के चेहरे का रंग एकदम सफेद था और उसके होंठ बिल्कुल काले थे। उसकी आंखें बहुत ही बड़ी और हरी थी और वो नील को देख के अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे। नील को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन नील ने उसे अपना इंट्रोडक्शन दिया और उन दोनों में बातचीत चालू हो गई। नील ने उसे अपने बारे में बताया, उनकी और बातचीत होने लगी। तो नील ने उससे पूछा, तुम यहां इस वक्त कैसे आई? तो उसने कहा कि नील को उसने इस जगह कई बार देखा है और आज उसे देख के यहां आई है। तो नील ने कहा, मैं तो यहां हर रोज आता हूं, लेकिन आज तक मैंने यहां तुम्हें और किसी और को नहीं देखा। क्या तुम्हें नहीं पता, यहाँ पे एक अफवाह फैली हुई है कि यहाँ से लोग गायब हो जाते हैं
यहाँ के सब लोग ये बात जानते हैं, इसीलिए लोग यहाँ आना अवॉइड करते हैं। तो मैं तुम्हें ये बात बताने आई हूँ। किसी ने तुम्हें ये बात नहीं बताई? कमाल है, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। मैं तो यहाँ रोज आता हूँ। क्या तुम्हें अजीब सी आवाज सुनाई दी? कौन सी आवाज? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये डरावनी आवाज मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये वाली आवाज शायद नीचे से आ रही है। मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी। ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। सब्सक्राइब करें और देखें फ्राइडे एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। आज पापा को गुजरे 20 साल हुए। मैं उन्हें आज भी बहुत मिस करती हूँ। आज उनके कमरे से मुझे कर्ण पिशाची की साधना की किताब मिली और मेरी यादें फिर से ताजा हो गई। कर्ण पिशाची, यह एक ऐसी खतरनाक मंत्र साधना है जिससे साधक अपने मंत्रों से एक पिशाचिनी को खुश करता है और वो पिशाचिनी अपने साधक को किसी भी सवाल का जवाब उसके कान में देके उसे खुश करती है। सवाल कैसा भी हो, चाहे भूतकाल हो या वर्तमान काल, उसके पास हर सवाल का जवाब होता है। लेकिन अगर यही कर्ण पिशाची नाराज हो गई तो ये वरदान कभी श्राप में बदल जाए ये कोई नहीं बता सकता। ये बहुत साल पहले की बात है, तब हम बहुत गरीब थे। हमारी जमीन साहूकार ने धोखे से हड़प ली थी। खाने पीने के भी लाले लगे थे। हम लोग पूरी तरह से कंगाल हो गए थे। तभी मेरे पापा को उनके दोस्त ने कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में बताया तो मेरे पापा को ये आखिरी रास्ता नजर आया। उन्होंने 41 दिन की कड़ी साधना की और इसके चलते उन्होंने एक कर्ण पिशाचिनी को खुश कर लिया। पापा अब शहर आ गए थे। जो भी कुछ पैसा बचा था उन्होंने वो शेयर मार्केट में लगाया। उनकी कर्ण पिशाचिनी कौन से शेयर्स के भाव बढ़ने वाले हैं या गिरने वाले हैं जब उनके कान में पता थी। हर रोज पापा नई नई जगह इन्वेस्ट करते और ढेर सारा पैसा कमाते। देखते देखते हम लोग थोड़े ही दिन में रही से गए। हमारे पास अब सब कुछ था। पापा से बड़े बड़े लोग मिलने आते और उनकी सलाह लेते। एक दिन पापा के दोस्त ने हमारे घर में सरप्राइज पार्टी रखी क्योंकि पापा बाहर कहीं भी जाना अवॉइड करते। उसी रात से पापा अजीब सा बर्ताव करने लगे। दिन रात वो अपने आप को कमरे में बंद कर देते और चिल्लाते रहते, शायद किसी की बड़बड़ से तंग आए। मुझे या मम्मी दोनों को अंदर आना मना करते। पूरा दिन शराब के नशे में धुत अपने कान में रुई डालते और अपना सर कस के बांध लेते थे। किसी भी डॉक्टर को बीमारी का पता नहीं चल रहा था। एक दिन तंग आकर मेरी मम्मी ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने कहा कि पापा की कर्ण पिशाचिनी उनसे नाराज हो गई। शायद पापा ने ऐसा कुछ किया था
जिससे वो निराश हो गई। तांत्रिक ने कहा, कर्ण पिशाचिनी को हदों शराब और मांसाहारी खाना देना पड़ता है। वो अपने साधक को किसी दूसरी औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, और तो और अपनी पत्नी, बेटी, माँ या बहन के साथ भी नहीं। पापा रोज शराब पीकर चिल्लाते रहते। उन्होंने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना भी बंद किया था। पापा ने खाना पीना छोड़ दिया। उनकी तबीयत खराब होने लगी थी, क्योंकि उनकी कर्ण पिशाची ने नाराज होने के कारण पूरा दिन पापा के कान में वो चिल्लाती रहती। एक मिनट भी शांत नहीं होती थी और बार बार यही बताती कि उनकी बेटी यानी मेरी मौत कैसे होगी। ये सुन के मेरे पापा और चीखते चिल्लाते ताकि कुछ सुनाई न दे, इसीलिए उनको एक कमरे में बंद कर लिया था। एक दिन अचानक उनके चिल्लाने की आवाज बंद हो गई। उनके गुजरने के 2 महीने बाद मुझे उनका ये लेटर मिला। कर्ण पिशाचिनी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपनी जान ले ली थी। ये घर, प्रॉपर्टी सब पापा के कारण ही था। हमारी स्थिति सुधारने के लिए पापा ने अपना बलिदान दिया था। आज भी मुझे लगता है कि मेरे पापा यही करेंगे मेरे साथ, अगर उनकी कर्ण पिशाचिनी भी उनके साथ। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी। ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। सब्सक्राइब करें और देखें फ्राइडे, एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। एक समय की बात है, मुंबई शहर में मैं नया था। सुना है कि यह शहर कभी सोता नहीं, तो मैं निकल पड़ा इस शहर को देखने। रात को मुंबई बहुत अच्छी लग रही थी, उसकी चमक धमक से मुझे प्यार हो गया। मैं हर वीकेंड में नई नई जगह पर जाया था। एक दिन मैं रास्ता भटक, रात के 3:30 बजे थे, अंधेरे में मुझे एक आदमी दिखाई दिया। मैंने उससे घर का रास्ता पूछा। उसने मुझे कहा, आपका घर ये गली के एंड पे है, पर तुम्हें पता है इस गली से जाना मना है। मैंने कहा, मैं इस शहर में नया हूं, पर यहां से जाना क्यों मना है। उसने कहा, क्योंकि इस गली में भूत है, जो भी यहां से गुजरता है वो भूत उसकी उंगलियां काट देता है। और वो अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। अगर आपको एतराज न हो तो मैं आपको वहां छोड़ सकता हूं। गली बहुत सुनसान थी, वहां जाने से भी चीख रहा। उस आदमी ने वहां हुए अजीब सी घटनाओं के बारे में मुझे बताना शुरू किया और हम चलने लगे। तभी उसने कहा, एक दिन एक लड़की यहां से जा रही थी, वहां से अकेले जाने के लिए उससे डर लग रहा था, तो उसने अपना फोन निकाला और अपने बॉयफ्रेंड के साथ बोलने लगी। कि तभी अचानक से उसे लगा कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, तो वो फास्ट चलने लगी। तभी उसे किसी ने हाथ लगाया, वो डर गई, पीछे देखा तो कोई नहीं था। जैसे ही चलने के लिए मुड़ी,
आप बात कर रहे हो? हाँ, एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जब वो गली की शुरुआत में आया तो वो भी थोड़ा हिचकिचाया। उसने अपना मोबाइल निकाला और गाने सुनते हुए चलने लगा कि तभी अचानक कोई साया उसके बाजू से चलने लगा। उसने बाजू में देखा और रुक गया, तो वो साया भी रुक गया। उसे अजीब लगा। वो फिर से चलने लगा तो वो साया गायब हो गया। वो उस साये को देखने के लिए पीछे मुड़ा कि तभी नहीं 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 नहीं, बाप रे, बहुत डरावना है ये। पर ये सब कौन और क्यों कर रहा है? कोई एक लड़का है, उसका कहना है कि पहले उसके सारे दोस्त एक साथ मिलके हंसी मजाक किया करते थे, लेकिन जब से लोगों ने मोबाइल यूज करना चालू किया है तब से सब कुछ बदल गया है। अब उसे मोबाइल यूजर से बड़ी चिढ़ है। डोंट वरी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो मोबाइल नहीं है ना। हाँ, डोंट वरी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो मोबाइल नहीं है ना। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी हो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें दादाजी बच्चों को बहुत सारी डरावनी कहानियां सुनाते हैं, तो आज उस कहानी का ये एपिसोड 2 है। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं सुना है तो आप उसे सुन सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आगे की कहानी। वो सब तो ठीक है दादाजी, लेकिन क्या आपका किसी अजीब सी चीज से सामना नहीं हुआ? अतुल ने कहा। अब जब तुमने ये बात कही दी तो मुझे एक बड़ा डरावना किस्सा याद आया है, मैं उसे कभी भुला नहीं सकता। बहुत ही डरावना अनुभव था वो, और जिससे मेरा सामना हुआ था वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, मारवा था। मारवा ये एक ऐसी आत्मा है जिसे पता ही नहीं होता है कि उसने अपना शरीर छोड़ दिया है। वो मरने के बाद भी वैसे ही जीवन जीती रहती है जैसे जिंदा होते हुए जी रही थी। कुछ महीने मैंने शहर में जाकर ड्राइविंग का काम किया था। उस समय मेरे साथ एक आदमी काम करता था, उसका नाम था सुंदर। वो मेरे साथ रात के सफर में दूर दूर तक जाया करता था। वो साल मुझे अच्छे से याद है, हम सुबह 4 बजे ट्रक में सामान डालकर निकल जाया करते थे और 48-48 घंटों तक का सफर तय करते थे। हमारी जिंदगी मानो काम करने में ही बीत रही थी। यूं समझ लो, हम अपने कामकाजी जिंदगी में इतने व्यस्त थे कि हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। कभी कभी तो हम एक एक हफ्ते घर भी नहीं जाते थे। तो दोस्तों, आगे की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या आपने कभी रात के अंधेरे में अनजान साये को महसूस किया है? क्या आपको भी मेरी तरह ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है? अगर हाँ, तो छलावा केवल आपके लिए ही बना है, जो कि आपको मिल सकता है केवल 8 ऐप पर। जैसा कि मैं हर बार आप लोगों को बेस्ट ऑडियो स्टोरीज रिकमेंड करता रहता हूँ, तो इस बार का मेरा रिकमेंडेशन है छलावा, जहाँ लास्ट टाइम साया ने आप लोगों को मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिलर ये सब महसूस कराया,
वही छलावा आपको रियल सुपर नेचुरल पावर्स को महसूस कराएगा। विक्रमजीत एक फियरलेस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है जो कि भूत प्रेत जिन ये सबका सामना करते हैं। उनकी हिम्मत और बुद्धि को टेस्ट करते हैं ये सुपर नेचुरल स्पिरिट्स। और सुनिए उन रहस्यों को जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकती है। ये छलावा आपको कराएगा पैरानॉर्मल के उस बार का एक्सपीरियंस जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि 8 ऐप की ऑडियो क्वालिटी भाई साहब एकदम नेक्स्ट लेवल की है, तो ये तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि जब आप इनकी स्टोरी सुनोगे ना तो भाई साहब आपको बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का फील होगा। तो यार देर किस बात की है, 8 ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर से भी जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। तो एक बार की बात है जब हम दोनों कहीं जा रहे थे, शाम के 5 या 6 बजे होंगे उस समय। वो रास्ता बड़ा ही घुमावदार था, उस समय सुंदर ट्रक चला रहा था। अचानक रास्ते में एक मोड़ आया, लेकिन सुंदर ने हॉर्न नहीं दिया। जैसे ही गाड़ी मुड़ी, वैसे ही अचानक मैंने अपने ट्रक के सामने एक कार को देखा। ये देखकर सुंदर डर गया और हड़बड़ाहट में वो ट्रक को काबू नहीं कर पाया। दोनों गाड़ियों की जोरदार टक्कर हो गई। और उस हादसे में सुंदर और वो कार वाला दोनों मारे गए। मेरी भी हालत बहुत गंभीर थी। सुंदर को सीधे सर पर चोट लगी, इसलिए वो बेचारा मर गया। मैं 15 दिनों तक हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था, और जब होश आया तो सुंदर के बारे में पता चला। जब मैं कुछ हफ्तों के बाद ठीक हुआ तो वापस ट्रक का काम शुरू कर दिया मैंने, और उन दिनों जो मेरे साथ हुआ था वो मैं भूल चुका था। तो एक रात मुझे मेरे मालिक का कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तुरंत आंध्र प्रदेश के लिए निकलना होगा। मैं चला गया उनके पास, तब ट्रक में सामान लोड हो रहा था। जब सामान लोड हुआ तो मैं जाकर अपनी ड्राइविंग सीट में बैठ गया, और मेरे पीछे 2-3 और ट्रक खड़ी हुई थी। जैसे ही मैं ट्रक में बैठा और ट्रक चालू किया तो मेरे ट्रक के दूसरी तरफ का दरवाजा खुल गया और मैंने देखा कि सुंदर ट्रक में चढ़ रहा है। वो मेरे बगल में बैठ गया और बोला, चलो उस्ताद, बहुत लंबा सफर तय करना है। वो हमेशा मुझे वो बात बोला करता था। मैं उसे चौंक कर देख रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने कहा, तुम तो मर चुके हो ना यार। मेरी बात सुनकर न जाने उसे क्या हुआ, वो गुस्से में बोला, अरे उस्ताद क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारे सामने ही तो बैठा हूँ और मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मैं बड़ा आदमी नहीं बन जाता। मैं तुरंत ट्रक से उतरकर भूत भूत चिल्लाने लगा। बाकी के ड्राइवर आए और उन्होंने ट्रक के अंदर देखा, लेकिन उन्हें वहां कोई भी नहीं दिखाई दिया। उन्होंने कहा, अरे भाई क्यों मजाक कर रहे हो, चलो जल्दी बहुत दूर जाना है। वो लोग अपने अपने ट्रक में चले गए। मैंने ट्रक के अंदर देखा और फिर आसपास देखा, जब कोई नहीं दिखाई दिया तो मैं ट्रक में बैठकर वहां निकल गया। मुझे फिर वो सब मेरा वहम लगने लगा। फिर मैं कुछ पुराने गाने सुनते और गुनगुनाते हुए आराम से ड्राइव कर रहा था। हम शहरी इलाके से निकलकर सुनसान रास्ते में पहुंच चुके थे। पीछे जो 2-3 ट्रक आ रही थी वो फिर मेरे ट्रक के आगे आगे जाने लगी। कुछ देर के बाद मुझे किसी ने कहा, अरे उस्ताद जरा पानी दो तो। मैंने जैसे ही वो सुना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे बगल में सुंदर बैठा हुआ था। मैंने तुरंत ब्रेक लगा दिया और उसे देर तक घूरता रहा। मेरे सामने उसने पानी की बोतल ली और पानी पीने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। उसने फिर से कहा, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, तुम देखना उस्ताद एक दिन ड्राइवर से मालिक कैसे बनता हूं मैं। मैंने कहा, तुम सच में नहीं हो, तुम मर चुके हो यार। लेकिन वो मुझे बस घूर घूर कर देखने लगा। चले जाओ यहाँ से, अब तुम्हारी दुनिया कोई और है,
तुम मर चुके हो, चले जाओ यहाँ से। लेकिन वो बस मुझे घूरे जा रहा था। मैंने आगे जाने वाले ट्रकों को देखा, लेकिन तब तक वो इतने आगे निकल गए थे कि मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे थे। मैंने फिर से सुंदर की ओर देखा, लेकिन ये देखकर चौंक गया कि वो वापस गायब हो चुका है। मैंने ट्रक के बाहर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं बस वहां से निकल गया। कुछ घंटों के बाद हम सब एक ढाबे पर रुके खाना खाने के लिए। करीब 11 बज रहे थे उस समय। मैं ढाबे में हाथ धोने के लिए गया था, और जब हाथ धो रहा था तो मैंने देखा कि कोई मेरे बगल में खड़ा हुआ हाथ को धो रहा था। मैंने उसकी ओर देखा तो वो कोई और नहीं, सुंदर था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे उसकी आत्मा बार बार क्यों दिखाई दे रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए मैं अपने साथियों के साथ जाकर बैठ गया। वो लोग खाते हुए कुछ हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन मेरे पसीने छूट रहे थे क्योंकि सुंदर भी मेरे सामने बैठा हुआ हंस रहा था। खाना खाने के बाद मैं वापस ट्रक में जाकर बैठ गया। फिर सुंदर भी ट्रक में आ गया, और तब मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा, अरे क्या चाहते हो तुम? तुम मर चुके हो, तुम्हारी दुनिया हमारी दुनिया से अलग है भाई। अरे चले जाओ यार यहाँ से। ठीक है, विश्वास नहीं है ना, तो जाओ अपने घर और देखो कि तुम्हारे मरने का शोक अभी तक चल रहा है। ये सुनकर सुंदर मुझे कुछ देर तक घूरता रहा। ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि पता नहीं वो क्या कर देगा। लेकिन अचानक वो गायब हो गया। डर के मारे मुझे वही तेज बुखार हो गया और मेरा सिर घूमने लगा। मैंने अपने साथियों से कहा कि मैं आगे ड्राइव नहीं कर पाऊंगा, तो उनमें से एक आदमी ने ड्राइव किया और हम आंध्र प्रदेश पहुंच गए। वहां से हम घर वापस भी आ गए, लेकिन ढाबे के बाद मुझे सुंदर दिखाई नहीं दिया। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता था कि कोई आत्मा तब तक भटकती है जब तक उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो जाए, और सुंदर की ख्वाहिश थी कि उसे बहुत बड़ा आदमी बनना है, जो कि अब पूरी नहीं हो सकती थी। मुझे यही बात खाए जा रही थी कि वो मुझे क्यों दिखाई दे रहा था। फिर ख्याल आया कि शायद मरने से पहले वो मेरे साथ था, इसलिए। इसी तरह कुछ दिन बीत गए, सब कुछ ठीक हुआ, सुंदर मुझे दिखाई नहीं दिया, तो मैं निश्चिंत हो गया ये सोचकर कि अब वो सच में चला गया है। लेकिन ऐसा नहीं था। एक दिन मैं उसके घर के सामने से गुजर रहा था, और तब जो नज़ारा मैंने देखा वो देखकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसके घर के अंदर से तीन तीन अर्थियां निकल रही थी, जो उसके माता पिता और पत्नी की थी। ये देखकर एक पल के लिए मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या देख रहा हूँ। उन अर्थियों को शमशान ले जाया जा रहा था, और उनके साथ एक पंडित भी थे। मैंने उन्हीं से पूछा, पंडित जी ये क्या हुआ है इन्हें? तो उन्होंने कहा, हरिओम हरिओम, किसी ने मार डाला इन्हें, डॉक्टर की जांच हो गई है, अब इन्हें शमशान ले जा रहे हैं। ये कहकर वो चले गए। मैं वहीं खड़ा रहा। तभी वहां खड़े एक आदमी ने कहा, अरे भैया बड़ी बुरी तरह से मरे हैं बेचारे, सबसे पहले मैंने ही इनकी लाश देखी थी। उसके माता पिता की आंखें गायब थी, और उसकी पत्नी के मुंह में लोहे का रॉड घुसा हुआ था, और पोस्टमार्टम के हिसाब से इनकी मौत 2 दिन पहले हुई है। और देखो ना, किसी को पता भी नहीं चला कि उनका शरीर पिछले 2 दिनों से घर में ऐसे ही पड़ा हुआ था। न जाने किसने किया है ये सब। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे मन में सबसे पहला ख्याल यही आया कि ये काम सुंदर का हो सकता है। वहां से भागकर मैं यहाँ गांव आ गया, ताकि सुंदर से दोबारा मेरा सामना न हो। करीब 2 महीने बीत गए उस बात को। सुंदर कभी मेरे सामने नहीं आया। फिर एक बार एक पुजारी यहाँ आए थे। उनके लिए कहा जाता था कि वो काफी जाने माने पंडित थे। मैंने उनसे सुंदर वाले किस्से के बारे में बात की, तो उन्होंने बताया कि जिन लोगों की ऐसे हादसे में मौत हो जाती है, या जिनकी ख्वाहिश अधूरी रह जाती है, उनकी आत्माओं को मरने के बाद भी ऐसा लगता है कि वो जिंदा हैं, यानी उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि वो मर चुके हैं, और ऐसी आत्माओं को मारवा कहा जाता है। और जब उन्हें विश्वास हो जाता है कि वो मर गए हैं, तो अक्सर ख्वाहिश पूरी ना होने की वजह से
वो एकदम पागल से हो जाते हैं और लोगों को अपने वश में करके उन्हें ही मार देते हैं। तो ये थी सुंदर की पूरी कहानी। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये सेकेंड एपिसोड पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट। सब्सक्राइब करें और देखें हर फ्राइडे एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इस कथा के लेखक है द बेटर एडिक्शन। कट इट। गुड शॉट नीलेश, ऐसे ही बढ़िया परफॉर्म करना है अगले वीक के शो में। ओके, बैक अप एवरीबॉडी, आज के लिए इतना काफी है। नीलेश, एक काम करो, तुम आज रात ना यहीं रुक जाओ मेरे साथ, कल सुबह चले जाना। इतनी रात को उनकिना होकर अपने घर जाना सही नहीं है। ये कहानी है 21 साल के युवा नीलेश की, जो शहर से थोड़ा दूर रामगढ़ नाम के गांव में अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी जिंदगी में अपनी माँ के सिवा और कोई नहीं था। अपना घर चलाने के लिए नीलेश छोटा मोटा थिएटर करता था। वैसे तो रोज वो घर जल्दी आ जाता था, लेकिन रिहर्सल करते करते आज थोड़ी रात हो चुकी थी। रिहर्सल स्टूडियो और रामगढ़ के बीच में पड़ता है कोनकिना गांव। कोनकिना तो बस नाम का गांव है, कुछ लोग तो इसे मुर्दों का गांव भी बोलते हैं। किसी जमाने में यहाँ जन बस्ती हुआ करती थी, लेकिन आज यह गांव खंडहर पड़ा है। लोगों का मानना है कि इस गांव में रात को जो गया वह कभी अपने घर नहीं लौटा। शायद यही वजह है कि डायरेक्टर रमन नीलेश को रोकने को कह रहे थे। नीलेश अभिमानी था और उसने डायरेक्टर की बात इनकार कर दी। क्या तुम्हें पता नहीं, उस गांव में काली शक्तियां हैं। लोग बोलते हैं कि वहां किसी बुढ़े तांत्रिक की आत्मा है, जो अपने जीवन काल में छोटे मोटे बच्चों की बलि चढ़ाता था। अरे सर, आप ये किन बहकी बहकी बातों में फंस रहे हो? ये सब तो अफवाह है, और मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ कि वो तांत्रिक मेरी बलि चढ़ाने के लिए वहाँ बैठा मेरा इंतजार कर रहा होगा। हाँ चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, कल मिलते हैं रिहर्सल पर। ठीक है सर, गुड बाय। इतना बोलकर नीलेश वहाँ से निकल जाता है। वो सुनसान सड़क पर पैदल अकेले चला जा रहा था। उसके हाथ में एक इलेक्ट्रिक टॉर्च थी। तकरीबन रात के 11:30 बज रहे थे। अंधेरे के सन्नाटे को झिंगूर की आवाज भंग कर रही थी। नीलेश जैसे ही कोनकिना पहुंचा तो एक काली बिल्ली उसके सामने अचानक से आ गई, जिसको देखकर नीलेश थोड़ा चौंक गया। उसको नजरअंदाज करके नीलेश आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने पर उसको ऐसा लगा कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है। उसे वहां पर किसी और की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो पीछे उसको कोई नहीं दिखा। अचानक से उसके हाथ की टॉर्च बंद हो गई। नीलेश टॉर्च को हाथ से ठोक ठोक कर आगे बढ़ ही रहा था कि उसे कुछ बच्चों की रोने की आवाज सुनाई दी। ये रोने की आवाज सुनकर नीलेश दंग रह गया। वैसे नीलेश को डर नहीं लगता था, लेकिन उस परिस्थिति में कोई भी होता तो वो डर ही जाता। आवाज को नजरअंदाज करते हुए नीलेश पीछे मुड़ा और जो उसने देखा वह देखकर नीलेश पसीना पसीना हो गया। उसे चांद की रोशनी में कुछ बच्चों की परछाई दिखाई दी। यह देखकर नीलेश वहां से सीधा भाग गया। कुछ देर के बाद उसे एक बुढ़ा आदमी दिखाई दिया, जो आग जलाए अपना मूंगफली और भुट्टे का ठेला लगाकर चले जा रहा था। उसको देखकर नीलेश की जान में जान आई। वह भागकर उसके पास पहुंचा और उसी के साथ आगे बढ़ने लगा। बाबूजी, क्या खाओगे, मूंगफली या भुट्टा? इतनी देर रात आप इस गांव में कैसे? बड़ा अजीब गांव है, आपको डरने लगता क्या? अरे बाबूजी, डर कैसा, मेरा तो यहाँ से रोज का आना जाना है।
यहाँ पे ऐसा बोलते हैं ना कि इस गांव में किसी तांत्रिक की आत्मा है जो पहले बच्चों की बलि चढ़ाता था। आपको पता है क्या इसके बारे में कुछ? अरे बाबूजी, 30-40 बरस पुरानी बात है ये तो। सुना है कि इसी गांव के लोगों ने मिलकर उस तांत्रिक को जिंदा जला दिया था। ये सुनकर नीलेश को सोचने लग जाता है। अरे सुन रहा है मुंशी राम का पोता? इतना सुनकर नीलेश के होश उड़ जाते हैं और वो उस बुढ़े आदमी की तरफ देखता है। तुम मेरे दादाजी का नाम कैसे जानते हो? अरे वो भी तो था इसी गांव में, उस तांत्रिक को जलाने में। इतना बोलते ही वो बुढ़ा आदमी हंसने लगा। उसकी बातें सुनकर और उसकी दाहिने हाथ की लंबे भयानक नाखून देखकर नीलेश बहुत बुरी तरह से डर चुका था। वो रास्ते में बिना कहीं रुके सीधा अपने गांव की तरफ भाग गया। घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ को देखा और बोला, एक गिलास पानी देना माँ। पानी पीने के बाद नीलेश अपनी माँ से बोला, अरे आज तो बहुत बुरा फंस गया था मैं कोकिना में, एक अजीब आदमी मिला था। उसकी बातें तो अजीब थी ही, साथ में कितने बड़े बड़े नाखून थे उसके। कैसे नाखून? कहीं ऐसे नाखून तो नहीं थे? अगले सुबह कुछ लोगों को कोकिना में नीलेश की लाश मिली। पोस्टमार्टम से पता चला कि नीलेश की मौत दिल की धड़कन रोकने की वजह से हुई है, और दिल की धड़कन रोकने का कारण था डर। पूछताछ करने पर पता चला कि नीलेश बीती रात अपने घर पहुंचा ही नहीं था। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे। ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है, हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। सब्सक्राइब करें और देखें हर फ्राइडे एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि स्वप्निल नाम के लड़के के साथ घटी थी। जब वो अपने दोस्त पंकज के साथ मनाली गया हुआ था, ये बात 2007 की है और महीना नवंबर का था। नवंबर में रात बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है, और वो भी मनाली का मौसम। स्वप्निल पंकज के साथ एक होटल में रुका हुआ था, और वो भी कमरा नंबर 707 में। लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये कमरा नहीं बल्कि एक भूतिया कमरा है, क्योंकि इसमें जो भी रहता है उसकी मौत हो जाती है। स्वप्निल और पंकज रात का खाना खाकर कमरे में सो गए। दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे कि तभी कमरे के बाहर स्वप्निल को किसी की चलने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि शायद कोई वेटर किसी रूम को सर्विस देने के लिए जा रहा होगा। उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 3 बजे थे। स्वप्निल ने सोचा कि इतनी रात में कौन हो सकता है। उसने अपने दोस्त पंकज को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो शराब पीकर सोया हुआ था, वो नहीं उठा। उतने में बिजली चली गई। फिर स्वप्निल ने दरवाजा खोल के देखा तो गलियारे में कोई नहीं था। फिर भी किसी के चलने की आहट स्वप्निल को साफ सुनाई दे रही थी। वो उस आवाज के पीछे चल रहा था।
कि तभी स्वप्निल को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत ही उस आवाज के पीछे चला गया तो उसने देखा कि गलियारे के किनारे कोई औरत खड़ी है। वो उस औरत की ओर गया कि पीछे से किसी ने स्वप्निल को हाथ लगाया। स्वप्निल पीछे मुड़ा लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने फिर उस औरत की ओर देखना चाहा, तो वो औरत वहां से गायब हो गई थी। जाकर पंकज के ऊपर पानी डाला और उसे जगाया और बोला, अपना सामान बांधो, हम यहाँ से जा रहे हैं। मैं तुम्हें सब गाड़ी में बताता हूँ। स्वप्निल सामान गाड़ी में रखने चला गया और पंकज रिसेप्शन पर पेमेंट करने चला गया। अरे पता है क्या हुआ? और इस तरह स्वप्निल ने अपने साथ जो भी हुआ वो पंकज को बता दिया। ये सुनके पंकज के होश उड़ गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए। हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या लगा तुम सच में बच गए? सुनने में आया है कि होटल के उस कमरे में एक औरत ने अपनी जान दी थी और वो औरत मैं हूँ। कभी भी इस कमरे में आने की हिम्मत भी मत करना। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी हो। करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक हैं धीरज कुमार सालुंके। रात के 12:30 बज रहे थे। कोल्हापुर में धाराशिव जाने वाली सीनियर कॉलेज के छात्रों की बस जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। ट्रिप खत्म करके वे वापस धाराशिव आ रहे थे। दिन भर मौज मस्ती करने की वजह से सभी छात्र थक कर सो गए थे। दरवाजे की सीट के पास विकास सर और सुशील सर खर्राटे ले रहे थे। बस ड्राइवर विजय मामा भी नींद में बस चला रहे थे। उनके बगल वाली सीट पर पीयून पांडु मामा बैठे हुए थे कि तभी बस के सामने जंगली सुअरों का झुंड आया। विजय मामा ने बस जंगल में रोक दी। कुछ देर में जब रास्ता खाली हुआ तो बस फिर से चलने लगी। कुछ ही देर में विकास सर के पीछे ही दूसरी सीट पर बैठा श्याम नींद से जाग गया। श्याम की उम्र 21 साल थी, पढ़ाई में बहुत तेज था लेकिन हमेशा अकेला रहने वाला, ना किसी से बनती थी ना ही उसका कोई दोस्त था। वह दूसरी सीट पर अकेला बैठा हुआ था। सर टॉयलेट जाना है। सर ने आधी आंखें खोलकर खिड़की से बाहर देखा। बस अभी भी जंगल में ही थी। थोड़ी देर बैठ जाओ, जब जंगल खत्म होगा तब मुझे उठा दो, मैं बस रोक दूंगा, वे बोले और फिर आंखें बंद कर सो गए। श्याम बस की खिड़की से बाहर देखने लगा और जंगल खत्म होने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में जंगल खत्म हुआ और बस वीरान जगह पर आ गई। उसने विकास सर को जगा दिया और उन्होंने ड्राइवर से बस को रोकने के लिए कहा। जैसे ही बस रुकी विकास सर बोले, किसी को टॉयलेट होना है तो अभी उतर जाओ वरना बस सीधे धराशिव जाकर ही रुकेगी। आवाज सुनकर पिछली सीट पर बैठा श्रीकांत नींद से जाग गया। विकास सर टॉर्च लेकर पहले बस से बाहर उतर गए, उनके पीछे पीछे श्याम और श्रीकांत भी उतरे
और वो दोनों अलग अलग झाड़ी के पीछे टॉयलेट करने गए। श्याम टॉयलेट करके वापस आया लेकिन श्रीकांत अभी भी नहीं आया था कि तभी श्रीकांत जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर विकास सर और श्याम उसकी ओर भागे लेकिन तभी श्रीकांत झाड़ी से बाहर आया। क्या हुआ, क्यों चिल्लाए थे? कुछ नहीं सर, चप्पल से होकर कांटा पैर में चुभा। उसकी आवाज सुनकर ड्राइवर और पियून भी नीचे उतरे थे। वो सब बस में वापस चढ़ने ही वाले थे कि तभी एक बाइक बस के सामने आकर रुक गई। अरे भाई साहब, यहाँ के नहीं हो क्या? क्या आपको पता नहीं कि इस रास्ते पर लोगों को हमेशा चकवा लगता है? बाइक चलाने वाला बोला, चकवा नाम सुनकर। विकास सर बोले, हाँ पता है, हम बस निकल ही रहे हैं। और वो सब बस में बैठ गए। सर, वो आदमी किस चकवे के बारे में बात कर रहा था? पियून ने अगली सीट से ही मुड़कर विकास सर से पूछा। हिंदी में चकवा मतलब छलावा, छलावा मतलब भूत। कहते हैं जो लोग रात में सफर करते हुए मरते हैं उनकी आत्मा छलावा बन जाती है। छलावा रात को सफर करते हुए यात्रियों को पकड़ लेता है और उन्हें अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने ही नहीं देता। वो बस उन्हें उसी जगह पर घुमाते रहता है। कितना भी भाग लो या फिर गाड़ी तेज भगाओ, आप उसी जगह पर आ पहुंच जाओगे जहां आपको छलावा ने पकड़ लिया था। या फिर वो लोग रास्ते से भटक जाएंगे और उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पर छलावा उन्हें ले जाना चाहता है, विकास सर ने बताया। इसके बाद ड्राइवर बोला, और यात्री रात भर उसी जगह पर बार बार घूमते हैं। वो तब तक रास्ता भटकते हैं जब तक सूरज ना उगे। जैसे ही सूरज उगता है उनकी ताकत कम हो जाती है। मेरे कुछ ड्राइवर दोस्त हैं, उनको भी छलावे ने पकड़ लिया था। कहते हैं छलावा बस उन्हीं यात्रियों को पकड़ता है जो थके हुए होते हैं, क्योंकि उन पर हावी होना बहुत आसान होता है ना। फिर तो छलावा बहुत ही खतरनाक है, पियून घबराते हुए बोला। अरे कुछ खतरनाक वतरनाक नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। ड्राइवर जब थक जाता है तो रात में उसे रास्ता समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसे भ्रम हो जाते हैं और वो रास्ता भटकता है। इसे ही अनपढ़ लोगों ने भूत यानी चकवा या छलावा का नाम दिया है, विकास सर बोले। ये सभी बातें श्याम और श्रीकांत सुन रहे थे। नहीं सर, छलावे होते हैं और कुछ छलावे तो जानलेवा भी होते हैं। मेरे दादाजी को छलावे ने इतना परेशान किया था कि मरते मरते बचे थे। रात को जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उनमें से कुछ ना कुछ एक्सीडेंट छलावे के कारण ही होते हैं। वो रात के बेरहम शिकार होते हैं। यात्रियों की थकान और डर ही उनकी ताकत होती है। शिकारियों की तरह ही वे यात्रियों को डराते हैं, भगाते हैं और उनकी जान लेकर उनका शिकार करते हैं। हमें बस इतना पता चलता है कि कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है, लेकिन मौत का कारण छलावा ही होता है सर, श्याम ने डरावनी आवाज में कहा। सर, इस का कुछ मत सुनो, इसकी बुआ राइटर है, उन्हीं से सुनी होंगी ये बातें। और राइटर लोगों का तो काम ही होता है बातें बनाना, उसी से तो उनका घर चलता है, पिछली सीट पर बैठे श्रीकांत ने कहा। श्रीकांत चुप हो जाओ और सो जाओ, उन्होंने डांटते हुए कहा। और उसके बाद सभी लोगों ने आंखें बंद कर ली और सो गए। कुछ समय बीता, श्याम अभी भी जाग रहा था और खिड़की से बाहर देख रहा था। बस किसी जंगल के बीचों बीच से गुजर रही थी कि तभी उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक बंद पड़ी चाय की टपरी है। लेकिन ये चाय की टपरी तो मैंने पीछे भी पहले वाले जंगल में देखी थी, वह मन ही मन बोला और खिड़की के बाहर देखने लगा। तब उसे पता चला कि वो तो वही जंगल है जो वीरान जगह से पहले आया था। वह भागते हुए ड्राइवर के पास गया। विजय मामा नींद में बस चला रहे थे, बीच बीच में आंखें झपका रहे थे। विजय मामा, बस कौन से जंगल में है? होगी किसी जंगल में, रास्ते में जंगल कम है क्या? नहीं मामा, हम वापस उसी जंगल में पहुंच गए हैं जहां पर बस के सामने जंगली सुअर आ गए थे। नहीं बेटा, तुम्हें कुछ तो गलत फहमी हो रही है, वह जंगल तो कब का पीछे छूट गया है ना। उनकी बहस सुनकर विकास सर नींद से जाग गए। क्या हुआ श्याम? सर, हमें छलावा लग चुका है, उसने हमें पकड़ लिया है, क्योंकि बस वापस उसी जंगल में आई है जहाँ से पहले गुजरी थी। लेकिन विकास सर भी ड्राइवर की तरह उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। सर, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो बाहर देखो, अभी कुछ देर रास्ते के किनारे एक ट्रक दिखाई देगा जो एक्सीडेंट में पलटी हो चुका है। और कुछ ही देर में रास्ते के किनारे सभी को पलटी हुई ट्रक दिखाई दी। ये देखकर सभी हैरान हो गए थे। ड्राइवर ने भी मान लिया कि श्याम सच बोल रहा है, कि तभी जंगल खत्म हो गया और बस वही सुनसान वीरान जगह पर पहुंच गई जहां पर वो कुछ देर पहले टॉयलेट करने के लिए रोक दी गई थी। ये देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। विकास सर की तो बत्ती ही गोल हो गई थी। श्रीकांत पिछले सीट से आगे आ चुका था। सबके चेहरे का रंग उड़ गया था। बस अभी भी रास्ते पर चल रही थी
कि तभी वो फिर से वापस वही जंगल में पहुंच गए। वो सभी जान गए कि उन्हें छलावा ने पकड़ लिया है। ड्राइवर कोई दूसरा रास्ता मिलता है या नहीं ये देख रहा था, लेकिन फिर भी बस वापस उसी जंगल में आ जाती थी। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरी दुनिया में बस वही एक रास्ता है जो घूम फिर कर उसी जंगल में ले आता है। सर, अभी इस छलावे से कैसे निकले? मैंने सुना है कि छलावे से बाहर तभी निकल सकते हैं जब सुबह हो जाए। इसका मतलब हमें रात भर इसी सड़क से गुजरना होगा, जंगल से वीराने में और वीराने से जंगल में। क्यों ना हम सुबह होने का इंतजार करते हुए उसी वीरान जगह पर रुक जाए, ड्राइवर बस चलाते हुए बोला। लेकिन शायद मैंने सुना है कि छलावे में रुकना ठीक बात नहीं है। नहीं सर, मेरी बुआ ने बताया था कि अगर सेफ जगह मिल जाए तो रुकने में कोई परेशानी नहीं है। बस इतना ही पता है तुम्हें? और कोई तरीका नहीं है क्या? है, लेकिन वो अभी के लिए नहीं है। और वैसे भी अगर जिस छलावे ने हमें पकड़ा है अगर वो कमजोर हुआ तो उसकी शक्तियाँ कुछ ही देर में कमजोर हो जाएंगी और हम छलावे से छूट जाएंगे, फिर वो छलावा हमें नहीं पकड़ सकता। इन सभी की बातें सुनकर सोए हुए सुशील सर जाग गए। अरे क्या हुआ? आ गया क्या मेरा बोरगांव? सुशील सर उबासी लेते हुए बोले। तभी सभी ने उन्हें घटी हुई घटना बता दी। यह सुनकर सुशील सर के तो मानो होश ही उड़ गए। लेकिन तभी ड्राइवर जोर से चिल्लाया, सर आगे एक गांव आया है। यह सुनकर सभी लोग ड्राइवर की तरफ भागे। तब उन्हें रास्ते के किनारे एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था, बोरगांव में आपका स्वागत है। यह देख सुशील सर जोर से चिल्लाए, ये तो मेरा गांव है, लेकिन हम यहाँ इतने जल्दी कैसे पहुँचे? हमें तो कोल्हापुर से निकले मुश्किल से 2 घंटे हो गए हैं और मेरा गांव कोल्हापुर से 6-7 घंटे की दूरी पर है। एक समय की बात है, एक पंडित अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिला। उसने पंडित से पूछा, महाराज कितनी दूर तक जा रहे हैं? पंडित ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को ससुराल से लाने जा रहा हूँ। हैरानी से उस व्यक्ति ने पंडित से कहा कि आप पितृपक्ष में पत्नी को लेने के लिए जा रहे हैं, क्या आप जानते नहीं हैं कि इस महीने में किसी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता? पंडित ने तपाक से कहा, अरे मैं ब्राह्मण हूँ, मुझ पर ये सारे नियम लागू बिल्कुल भी नहीं होते। उस व्यक्ति को पंडित के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बड़ा अजीब लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, वो चुपचाप वहां से निकल गया। पंडित भी अपने रास्ते की ओर चलते चले गए और कुछ देर बाद ससुराल पहुंचे। वहां पहुंचते ही उनका खूब आदर सत्कार हुआ, लेकिन लड़की वालों ने भी पितृपक्ष में बेटी को घर से ससुराल भेजने से मना कर दिया। ब्राह्मण भी मानने वालों में से थे नहीं, उन्होंने जिद पकड़ ली कि वो अपनी पत्नी को लेकर ही जाएंगे और होते होते वो अपनी पत्नी को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में कुछ देर आगे बढ़ने पर पंडित को जोर से प्यास लगने लगी। सामने ही उन्हें कुआं नजर आया, वो वहां गए और रस्सी को खींचकर पानी निकालने लगे। उसी वक्त एक व्यक्ति भी वहां पहुंचा और उसने पंडित से अपने लिए भी पानी निकालने के लिए कहा। जैसे ही पंडित उसके लिए पानी निकालने लगे तो उसने पंडित को उठाकर कुएं के अंदर डाल दिया और पंडित के भेष में उसकी पत्नी के साथ रास्ते में आगे बढ़ने लगा। दोनों कुछ देर बाद पंडित के घर पहुंच गए। वो व्यक्ति पंडित का ही रूप बनाकर उस महिला के साथ रहने लगा। ऐसा होते होते तकरीबन 3 महीने बीत गए, लेकिन पंडित अभी भी कुएं में ही फंसे थे। कुछ दिनों बाद उसी कुएं के पास से एक व्यक्ति अपनी बैल लेकर गुजर रहा था। बैलों के गले की घंटी की आवाज कुएं के अंदर फंसे पंडित के कानों पर पड़ी। तभी पंडित जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, कोई है तो मुझे बाहर निकालो। बैल लेकर जा रहे आदमी को लगा कि कुएं से कोई भूत बोल रहा है, फिर भी वो हिम्मत करके कुएं के पास गया और पूछा, कौन हो तुम? पंडित ने कुएं के अंदर से ही उस व्यक्ति को अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बता दिया। सब कुछ सुनकर उस इंसान का दिल भर आया और पंडित को कुएं से बाहर निकाल लिया। कुएं से निकलते ही पंडित फटाफट अपनी पत्नी से मिलने के लिए गांव पहुंच गया। वहां जाते ही उसे पता चला कि उसी के भेष का एक इंसान गांव में रह रहा है। पंडित ने अपने पिता को बताया कि मैं आपका असली बेटा हूँ, इसने मुझे कुएं में धक्का मार दिया था और मेरा रूप लेकर यहाँ आ गया है।
यही बात पंडित पूरे गांव वालों को बोलने लगा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। बात इतनी बढ़ी कि राजा के पास तक पहुंच गई। राजा ने पूरा मामला सुनने के बाद एक बड़ा सा चबूतरा बनवाकर पूरे राज्य के लोगों को बुलाया, साथ ही एक लोटा भी वहां रख दिया। जब सभी लोग वहां पहुंच गए तो राजा ने दोनों से पूछा, तुम में से असली पंडित कौन है? जवाब में दोनों ने कहा, मैं असली हूँ, मैं असली हूँ। इस बात को सुनते ही राजा ने कहा कि जो भी जल्दी से इस लोटे में घुसकर बाहर निकलेगा, उसी को मैं असली पंडित घोषित कर दूंगा। इतना सुनने पर झट से एक पंडित लोटे के अंदर घुस गया। इतने में राजा ने लोटे का ढक्कन तेजी से बंद कर दिया। लोटे के अंदर बंद होते ही वो चिल्लाने लगा कि राजा मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। इतना सब देखकर लोग समझ गए कि असली पंडित कौन है। सबको पता चल गया कि वो भूत था जो लोटे में घुस गया था। वह भूत पंडित को सबक सिखाने के लिए उसका रूप बनाकर उसी के घर में रह रहा था, क्योंकि वो पितृ पक्ष में शुभ कार्य कर रहा था। कहानी से सीख: बड़े बुजुर्गों द्वारा कही गई बातों के पीछे कोई न कोई वजह छिपी होती है, इसलिए शुभ कार्यों को पितृ पक्ष में नहीं किया जाना चाहिए। बुजुर्गों के अनुभव के आधार पर ही कुछ समय के लिए पितृ पक्ष के दौरान शुभ कार्य करने से रुक जाना चाहिए। ते हुए सुनते हैं आज की ये खौफनाक कहानी। दोस्तों, ये कहानी है लॉकडाउन की। तो लॉकडाउन में ज़्यादातर लोग अपना टाइम पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते थे, और लॉकडाउन ने ही कई सारे लोगों को कमाना सिखा दिया। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये दरअसल तब की बात है कि जब लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था, उस वक्त मैं अपने गाँव गई हुई थी जो कि कानपुर में है। तो कानपुर में जब मैं अपने गाँव में गई तो वहाँ पर मतलब कि मेरी बहुत सारी कज़न थी और मेरी आसपास की फ्रेंड्स भी मुझसे मिलने के लिए आ चुकी थी। हम लोग छत पर बैठे बहुत सारी बातें करने लगे। तभी मैंने अपनी फ्रेंड्स को कहा कि यार चलो कुछ हॉरर स्टोरीज सुनाते हैं एक दूसरे को। तो हम लोग ऐसे ही बातें करने लगे, तभी मेरी एक कज़न आती है। तो वो कहती, अरे ये सब भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ मन का वहम होता है और ये सारी फिजूल बातें होती हैं। और इतना कहकर वो हंसने लगी। तभी बगल में बैठी मेरी एक कज़िन जिसका नाम जन्नत था, तो उसने बोला, लगता है इनको आफिया दीदी का मैटर नहीं पता है। तो हम लोगों ने कहा कि आफिया का क्या, आफिया का क्या? तो उसने कहा, अरे आप लोग को नहीं पता कि जो आफिया अप्पी थी उनके साथ क्या हुआ था। तो अब मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने कहा, यार बताओ, हम लोग इसीलिए तो बैठे हुए हैं। अब हम लोग सभी एक्साइटेड होकर एकदम ध्यान से वो सारी बातें सुनने लगे। तो जन्नत ने बताया कि जो आफिया है वो मतलब कि उसकी बुआ की सबसे छोटी बेटी थी, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। साथ ही अब भाई जाहिर सी बात है कि वो जो इंसान खूबसूरत होता है उसे ज़्यादातर, यानी कि सभी लोगों को नहीं बोल रहा, जो ज़्यादातर लोग होते हैं उनको अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड होता है, ठीक वैसे ही आफिया को भी था। तो क्या हुआ कि गांव में जितने भी लोग थे सबकी नज़र आफिया पर ही होती, और जो कहीं पे भी जाए कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि आफिया को कोई छेड़ भी देता था। क्यों? क्योंकि उसकी खूबसूरती की वजह से। ये बात आफिया के अब्बू को मतलब बहुत बेकार लगती थी, तो उन्होंने कहा कि यार ये गांव में रहेगी तो कुछ ऊंच नीच बात हो गई तो इज्जत तो मेरी ही उछलेगी। तो उन्होंने क्या किया कि आफिया को दिल्ली भेज दिया उसके मामू के यहाँ पढ़ाई करने के लिए। आफिया वहीं पर ही रहकर पढ़ाई करने लगी और अपने मामी और मामू के कामों में हाथ बटाने लगी। धीरे धीरे इसी तरह वक्त गुजरता गया, लेकिन एक दिन खबर आई कि जो आफिया की जो दादी है उनका इंतकाल हो चुका है। जब ये बात सुनी तो उसके मामी मामू और आफिया तुरंत ही कानपुर के लिए निकल गए। लेकिन उनके पहुंचते पहुंचते क्या हुआ कि उसकी दादी को कब्रिस्तान में दफना दिया गया।
जो कि ये बात आफिया को बहुत ही ज्यादा बुरी लगी, क्योंकि आफिया को अपनी दादी से बहुत ही ज्यादा प्यार था। वो अपनी दादी से मतलब इतना ज्यादा प्यार करती थी कि मैं नहीं बता सकती। तो जिसकी वजह से वो सैड थी कि लास्ट टाइम भी उसने अपनी दादी को नहीं देखा। तो उसने अपनी मतलब कि जो उसकी बड़ी अप्पी यानी कि उसकी जो सिस्टर थी आफिया की, तो उसने कहा कि अप्पी मुझे एक बार दादी के कब्र पर जाकर फातिया करना है, फातिया मीन्स की प्रेयर करनी है। लेकिन उसकी अप्पी ने कहा अरे नहीं, लड़कियों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर उसकी अप्पी चली गई। फिर आफिया ने क्या किया कि और दो तीन कजिन्स के साथ मतलब अपना ये सारी चीज़ें बोला कि यार मुझे दादी के कब्र पे जाना है, लेकिन सभी ने मना कर दिया। इसी तरह उसने घर परिवार में सबसे कहा लेकिन सब ने मना कर दिया। वो उदास होकर अपने घर के बाहर बैठ गई। तभी किस्मत से उसकी एक दोस्त जिसका नाम सिफा था वो आई। तो अब आफिया ने सिफा से कहा कि यार प्लीज़ मुझे मेरी दादी के कब्र पर जाना है, मुझे उनसे मिलना है, उनके लिए प्रेयर करनी है। तो उसने कहा नहीं यार, घर में किसी को पता चलेगा ना तो हम दोनों को मार पड़ेगी। तो उसने कहा बस हो गई, यही दोस्ती है यार, मतलब कि अब दोस्ती की खातिर तो इतना नहीं कर सकती। यानी कि आफिया जो थी वो सिफा को अब ब्लैकमेल करने लगी थी इमोशनली। तो उसने कहा कि यार चल ठीक है, अब तू इतना बोल रही है तो चल, लेकिन हाँ प्लीज़ यार जल्दी लौट कर आ जाएंगे, नहीं तो अगर घर में पता चला ना यार तो अम्मी अब्बू बहुत मारेंगे। आफिया ये सुनकर खुश हो गई और बोली अरे अरे तू चिंता मत कर, साथ में चलते हैं और जल्दी ही लौट आएंगे। उसके बाद जब आफिया और ये सिफा जब दोनों कब्रिस्तान गए तो देखा कि यार वहाँ का माहौल मतलब इतना ज़्यादा अच्छा था, मतलब कि इतने कब्रिस्तान में बहुत सारे अनार के पेड़ लगे हुए थे और अनार भी दिखने में एकदम लाल लाल एकदम अच्छे दिख रहे थे। वो गई और कब्रिस्तान के अंदर आफिया गई और सिफा भी गई थी, लेकिन वो थोड़ा दूर खड़ी थी। कुछ देर के बाद क्या हुआ कि दोनों घर लौट आए। उसके बाद क्या हुआ कि आफिया घर आकर वो अपना चुपचाप सो गई। दूसरे दिन जब वो उठी तो उसे पता चला कि सिफा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये सुनकर आफिया को भी बड़ा मतलब डर लगा कि यार अचानक सिफा को क्या हो गया। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और मतलब बताया गया कि वो पता नहीं क्या इधर उधर की बातें कर रही है। और शाम होते होते क्या हुआ कि आफिया की भी तबीयत खराब हो गई। जब उसके घर वालों ने देखा कि आफिया की तबीयत मतलब इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। उसके कुछ दिन के बाद मतलब कि वो घर लौट आई, लेकिन फिर से वही एक शिकायत ये थी कि उसका सर दर्द मतलब कि बहुत ज़्यादा होने लगा था। बहुत सारी दवाइयाँ कराने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, यानी कि उसका सर दर्द जो कि दवाइयों से जा ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि घर वालों ने यानी कि उसके मामी और मामू ने मतलब कि नोटिस किया कि ये जो आफिया है ये मतलब कि आपस मतलब अपने आप ही बात करती रहती है किसी से। साथ ही वो खाना जल्दी नहीं खाती थी, खाने के लिए केवल बस वो मिठाई या कोई मीठी चीज़ खाने को मांगती थी। उसकी नानी को धीरे धीरे शक होने लगा। एक दिन क्या हुआ कि उसकी नानी ने कमरे के बाहर से ये सुना कि रात के वक्त वो किसी से प्यार मोहब्बत की बातें कर रही है। उसकी दादी समझ गई कि जरूर ये कोई ऊपरी चक्कर है, क्योंकि उस वक्त तो आफिया के पास फ़ोन भी नहीं था कि हाँ वो फ़ोन से किसी से बात कर रही हो। दूसरे दिन उसकी नानी ने क्या किया, एक मौलवी को बुलाया। मौलवी जैसे ही आए तो आफिया एकदम आंखें घूर घूर कर मतलब उसको देखने लगी मौलवी को। अब मौलवी ने कुछ अपना पढ़ा, उसके ऊपर फूका तो वो तुरंत आके एकदम शांत होकर बैठ गई। फिर उसके बाद मौलवी ने उसके नानी मामी और उसके मामू को बताया कि आफिया के ऊपर एक जिन मतलब कि हावी हो चुका है। ये सुनकर सभी हैरान, उन्होंने कहा कि कैसे। तो उस मौलवी ने बताया कि ये कहीं गई हुई थी, वहाँ पे इसने अनार खाया है, यानी कि उसने जिस पेड़ पर जिन वास करता था उसने वहाँ का अनार तोड़कर खाया है, जिसकी वजह से वो जिन इसके ऊपर आसिक नहीं हुआ है बल्कि गुस्सा हो गया है। और उस मौलवी ने ये भी बताया कि इसकी एक सहेली है जिसने उसी पेड़ से अनार खाया है, जिसकी वजह से वो जिन इन दोनों लड़कियों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और तभी वो जिन इनको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जो जिन होता है वो अनार के पेड़ पर वास करता है।
तो अब उसके घर वाले एकदम परेशान, उन्होंने कहा मौलवी कुछ तो करिए, हमारी बच्चियों को बचाइए। तो मौलवी ने कहा कि देखिए मैं इन्हें रोक तो नहीं सकता, यानी कि इसे काट तो नहीं सकता, बट हाँ कुछ समय के लिए मैं इसको बचा के रख सकता हूँ। इसका इलाज आपको मैं जो मेरे से बड़े मौलवी हैं आपको उनसे करवाना होगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आफिया मतलब कि इसी तरह हरकतें करती रही और धीरे धीरे वो मतलब जैसे पागल सी हो गई। और एक दिन क्या हुआ कि वो छत पे गई और उसने वहीं से कूद के सुसाइड कर लिया। अब मतलब कि सब घर परिवार एकदम तबाह हो चुका था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और दूसरी साइड क्या हुआ कि जो सिफा थी वो भी पागल होके इसी तरह उसने भी सुसाइड कर लिया। लेकिन उनके घर वालों को पता था कि आखिर जो इन लड़कियों के साथ हुआ है, जो इन्होंने सुसाइड किया है, आखिर क्यों किया है, क्योंकि ये ऊपरी चक्कर था और जो जिन इन लड़कियों पे पॉजेस हो चुके थे। इसके बाद क्या हुआ कि उसके अम्मी अब्बू को ये नहीं पता चला कि भाई चलो ठीक है आफिया के साथ जो ये हुआ तो हुआ, लेकिन जो सिफा थी यार वो तो बाहर खड़ी थी, तो उसने कैसे उस पेड़ के मतलब कि अनार उसको खाया, और फिर मतलब एक अनार खाने की वजह से मतलब ये सारा चीज़ हुआ। मतलब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था, बट जिन तो उन पर गुस्सा हुए थे। भाई हो सकता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि आपके घर पे सामान रखा हुआ है और आपसे बिना पूछे कोई चीज़ वो उठा के इस्तेमाल कर ले, तो जाहिर सी बात है कि आपको तो भाई गुस्सा तो आएगा ही। उसी तरीके जो जिन होते हैं वो भी अनार के पेड़ पर वास करते हैं, और भी कई सारे पेड़ होते हैं बट अनार के पेड़ पे ज़्यादा होते हैं। देन क्या हुआ कि भाई उनसे अगर उनकी चीज़ बिना पूछे अगर कोई भी लेगा तो गुस्सा तो करेंगे ही। तो शायद यही वजह था कि जो आफिया और सिफा की मौत हो गई। लेकिन हाँ, जो आफिया जो जन्नत थी उसने बताया कि आफिया जो है वो अपनी मामी के ख्वाबों में हर रोज आती है और वो रोती रहती है। तो अब ये सारी चीज़ें जब स्टोरीज हमने सुनी तो यार लगा कि हाँ यार सच में होते हैं जिन भूत प्रेत। तो गाइज यही थी वीडियो छोटी सी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ मैं फिर से यही बोलूँगा कि अगर आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई है, आप वहाँ पर ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रेतनी का एपिसोड नंबर 2। पांचों दोस्त जब आशा के कमरे में गए तो उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने देखा कि उसके कमरे में कितने सारे चूहे मरे पड़े थे और उसी जगह से वहां बहुत भयंकर बदबू आ रही थी। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह थी कि चूहों के शरीर का मांस भी गायब था, मानो किसी ने उन्हें ऐसे ही खाकर फेंक दिया हो। सब लोग तुरंत कमरे से बाहर निकले, सब दंग रह गए थे क्योंकि शाम को ही वहां से चूहों की आवाज आ रही थी और अभी अचानक उसके कमरे से इतने सारे चूहे मरे हुए थे। रजत ने कहा, तुम लोग ठीक कह रहे थे, इस घर में कुछ तो चल रहा है जो अजीब है। तभी उन्हें आवाज आई, कोई घर की तरफ आ रहा था, इसलिए पांचों दोस्त तुरंत अपने कमरे में चले गए। आशा घर में आई और सीधे अपने कमरे में चली गई। फिर रात को करीब 1 बजे वापस किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। रजत की नींद खुली
और उसने बाहर आकर देखा कि जमींदार वापस आ गया है। वो भी सीधे कमरे में चला गया और फिर कमरे से फिर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। वो रात तो बीत गई, लेकिन अगले ही दिन पांचों दोस्तों को घर के बाहर शोर सुनाई दिया। सब बाहर गए और उन्होंने देखा कि गांव वालों की भीड़ जमा थी और वो लोग कैसे बात पर चिल्ला रहे थे। जमींदार उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा था, तभी गांव के एक आदमी ने कहा, जमींदार जी, हमारे घर के जानवर एक एक करके गायब हो रहे हैं, या तो उनकी लाशें चौराहे पर मिल रही हैं और वो भी कटी फटी अवस्था में। हमें शक है कि आपके घर आए मेहमान ये सब कर रहे हैं। ये सुनकर पांचों दोस्तों के होश ही उड़ गए। रजत ने तुरंत कहा कि उनके पास ऐसा कुछ करने की वजह ही नहीं है, लेकिन गांव वाले उन्हें ही दोषी ठहरा रहे थे, ये कहकर कि शहरी लोगों को जानवरों का मांस वगैरह खाने का बहुत बड़ा शौक होता है। रजत ने जमींदार से कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि उन्हें तो गांव को ठीक से देखा तक नहीं है। इतने में ही पवन और सुजीत के दिमाग में कुछ आया और उन्होंने जमींदार से कहा, जमींदार जी, शक तो आपकी पत्नी पर भी जाना चाहिए, क्योंकि हर रात को न जाने वो क्या करने के लिए गांव में भटकती रहती है। सारे गांव वाले ये बात सुनकर चुप पड़ गए और जमींदार को शक की निगाहों से देखने लगे। लेकिन जमींदार को ये बात पसंद नहीं आई और उसने कहा कि आशा ऐसा नहीं कर सकती और वो जल्द से जल्द ये सब करने वाले असली गुनहगार को पकड़ लेगा। सारे गांव वाले तो वहां से चले गए और जमींदार ने पांचों दोस्तों को गुस्से से कहा कि कल शाम तक जमीन के कागजात उन्हें मिल जाएंगे, उसके बाद उन्हें यहां से निकलना होगा। ये कहकर वो भी आशा के पास चला गया। पांचों दोस्त उसके पीछे गए और कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगे। जमींदार ने आशा से कहा, देखो तुम अब रात को बाहर मत जाना, गांव वालों को शक हो गया है और अगर फिर से किसी ने तुम्हें देखा तो मुसीबत हो जाएगी। पांचों को उसकी इस बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन ये बात तो पक्की हो गई थी कि वो दोनों कुछ बहुत बड़ा राज छुपा रहे थे। फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पांचों दोस्तों को हैरानी में डाल दिया। रात को जब सब लोग सो चुके थे, तब उनके कमरे के दरवाजे को किसी ने खटखटाया। पवन की नींद खुली, बाकी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। फिर पवन ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। ये देखकर पवन थोड़ा हैरान हो गया। वो वापस सोने के लिए जा ही रहा था कि तभी वो आवाज सुनकर वो इधर उधर देखने लगा और उसकी नजर आशा पर गई, जो बरामदे में खड़ी थी और उसे अपनी तरफ आने के लिए इशारा कर रही थी। उसने पवन को एक अजीब सी मुस्कान दी और पवन उसकी तरफ जाने लगा। आशा भी वहां से पता नहीं कहां जाने लगी और पवन उसके पीछे पीछे जा रहा था। और ऐसे ही वो पवन को घर की छत पर ले गई और रुक गई। तो पवन ने कहा, जी आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आशा उसकी ओर पलटी और कहने लगी कि वो उसे बहुत पसंद करती है। ये सुनकर पवन चौंक गया। आशा उसके करीब जाने लगी और पवन को अब धीरे धीरे डर लगने लगा था। पवन ने कहा कि जमींदार को पता चल गया तो वो उसे मार देगा, लेकिन आशा नहीं मानी। उसने कहा कि वो जमींदार के साथ अब और नहीं रहना चाहती और वो पवन से प्यार करती है। पवन उसकी बातों से बिल्कुल हैरान हो गया था। तभी आशा ने उसका हाथ पकड़ा और अचानक उसने अपने दांत उसके हाथ में घुसा दिए। पवन जोर से चीखा और अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आशा उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। उसके हाथ से खून बहने लगा। इस चक्कर में पवन छत के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गया था और जैसे ही उसने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, आशा ने उसे धक्का दे दिया और वो छत से नीचे गिर गया। तभी वो नींद से जागकर बैठ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसके चारों दोस्त उठ गए। उन्होंने देखा कि पवन चिल्ला रहा था। चारों उसका ऐसा बर्ताव देखकर घबरा गए। उन्होंने उसे शांत कराया और तब पवन को एहसास हुआ कि अभी अभी जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो हकीकत नहीं था। वो ना तो छत पर था और ना ही छत से गिरा था। तो रजत ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि उसने बहुत ही बुरा सपना देखा
जब वो शांत हुआ तो चारों दोस्त वापस से सो गए, लेकिन पवन की नींद ये देखकर उड़ गई कि उसके हाथ में किसी के दांतों के निशान सच में थे। अब उसकी सांसें अटक गई और बहुत पसीना आने लगा। उसको समझ आना बंद हो गया कि वो सपना था या हकीकत। सारी रात वो उस बारे में सोचता रहा। फिर अगले दिन जब पांचों दोस्त नाश्ता करने के लिए बैठे तो जमींदार की पत्नी उन्हें नाश्ता परोस रही थी, और तभी वो पवन की ओर देखकर मुस्कुराई। ये वैसी ही हंसी थी जो रात को उसने अपने सपने में देखी थी। पवन डर गया, वो उसकी तरफ देख ही नहीं पा रहा था। नाश्ता करने के बाद जमींदार ने कहा कि आज शाम तक उन्हें कागजात मिल जाएंगे, और रजत ने कहा कि वो लोग भी शाम को ही वहां से निकल जाएंगे। पर उस शाम को किसी कारण से जमींदार को जमीन के कागजात नहीं मिल पाए, और इस वजह से उसे बहुत गुस्सा आया। उसे कहा गया कि जमीन के कागजात मिलने में अभी 2 दिन का समय लग जाएगा, यानी पांचों दोस्तों को वहां 2 दिन और रहना था। लेकिन पवन ये जानकर और डर गया, क्योंकि अब वो जल्दी से जल्दी वहां से निकलना चाहता था। उसने रजत को भी ये बात बोली, लेकिन रजत ने कहा कि बस 2 दिन की ही तो बात है, और वो लोग बिना जमीन के कागज लिए जा भी नहीं सकते। पवन के पास अब और कोई रास्ता नहीं था। गांव वालों के शक के कारण अब जमींदार की पत्नी घर से नहीं निकल रही थी, लेकिन उसके बर्ताव में कुछ बदलाव सा रहा था। वो अब बहुत गुस्से में रहने लगी थी, और ये देखकर न जाने क्यों जमींदार के पसीने छूट रहे थे। उस रात पांचों दोस्त जब कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे, तब उन्हें जमींदार के कमरे से आवाज सुनाई दी। वो लोग बाहर गए तो देखा कि कमरे से ऐसी आवाज आ रही है कि कोई गुस्से में चीजें पटक रहा है। तभी जमींदार कमरे से अचानक बाहर निकला और जमीन पर गिर पड़ा। उसके सर से खून बह रहा था और वो बहुत डरा हुआ भी था। पांचों उसकी ऐसी हालत देखकर घबरा गए। जमींदार ने घबराते हुए बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से आशा की अजीब सी आवाज आ रही थी। जमींदार तुरंत घर के बाहर भागा और पांचों उसे देखते ही रह गए। फिर कुछ देर के बाद जमींदार घर आया और उसके हाथ में एक बड़ा सा बोरा था जिसमें न जाने पता नहीं क्या था। पांचों दोस्त छुपकर सब देख रहे थे, इसलिए जमींदार को पता नहीं चला। उसने कमरे का दरवाजा खोला और उस बोरे को लेकर अंदर चला गया, और अचानक से सब कुछ बिल्कुल शांत पड़ गया। उसके आने से पहले आशा अजीब सी आवाज निकाल रही थी, लेकिन वो भी चुप हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद वापस से जमींदार कमरे से वही बोरा लेकर निकला और घर के बाहर चला गया। पांचों दोस्त भी चोरी छुपे उसके पीछे गए। जमींदार घर के पीछे वाले खाली पड़े जगह पर गया और एक गड्ढा खोदने लगा। फिर उसने उस बोरे को उस गड्ढे में डाला और उसे वहां दफन करके लौट गया। उसके जाने के बाद पांचों दोस्त दोबारा उस जगह को खोदने लगे। उन्होंने उस बोरे को निकाला और उसे खोला, और जो उन्होंने देखा वो देखकर उनका दिल दहल गया। उस बोरे में एक लाश थी जिसके शरीर के कई हिस्से के मांस को निकाला गया था। वो लाश जली हुई थी, और ये देखकर उन सभी दोस्तों की हालत ऐसी खराब हुई जो कि बयान भी नहीं कर सकते। ये देखकर पवन ने कहा, मैंने कहा था ना यहाँ रहना ठीक नहीं है, ये लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी नहीं। रजत छोड़ यार इनकी जमीन, चल निकलते हैं यहाँ से, वरना ऐसा ना हो कि हम सब मारे जाएं यार। रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसे भी बहुत डर लग रहा था। तभी रजत ने कुछ ऐसा देख लिया जिससे वो बुरी तरह से डर गया। सब लोगों ने उसके चेहरे के भाव को नोटिस किया, और जब उन्होंने पीछे की ओर नजर डाली तो उनके भी होश उड़ गए। सामने जमींदार खड़ा हुआ था और बहुत गुस्से में था। उसने कहा, तुम लोगों ने काफी कुछ देख लिया है जो तुम लोगों को नहीं देखना चाहिए था, और अब मैं तुम लोगों को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। तुम सब अब यहां से कहीं नहीं जाओगे। तुम लोगों को तो अब मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। सत्यम, रजत, कबीर, पवन और सुजीत समझ नहीं पा रहे थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। सब लोगों ने जमींदार को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन जमींदार के हाथ में बंदूक थी, और इस वजह से
ना वो भागने की कोशिश कर पा रहे थे और ना ही उससे कुछ कहने की। जमींदार उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था और सबकी हालत खराब हो रही थी। इतने में ही जमींदार ने बंदूक चलाई, लेकिन अचानक उसका पैर एक पत्थर पर पड़ा और मुड़ गया, जिससे जमींदार का बैलेंस भी बिगड़ गया और वो नीचे गिर पड़ा। जमींदार सीधे जमीन में पड़े कुदाल के ऊपर गिर पड़ा, जो उसके पेट में घुस गया। पांचों दोस्त ये देखकर बिल्कुल सुन्न पड़ गए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उन्हें कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। पेट में कुदाल घुसने के कारण वो जोर से चीखा और उसी वक्त वहीं मर गया। सत्यम ने कहा, अब क्या करें, कहीं इसकी मौत का इल्जाम हम पर न लग जाए। रजत, चल निकलते हैं यहाँ से, वरना गांव वाले ही हमें मार देंगे। वो लोग वहां से निकल ही रहे थे कि तभी रजत को कॉल आया। रजत ने देखा कि उसके पिता का कॉल आया है। उसने तुरंत कॉल उठाया और उन्हें सारी बात बताने ही वाला था कि उससे पहले उसके पिता ने कहा, अरे कहाँ पहुंचे तुम लोग? पाताल पानी से जमींदार का कॉल आया था और उसने कहा कि अभी तक तुम लोग गांव नहीं पहुंचे हो। अरे इतने दिनों से कहाँ हो तुम लोग? अब ये रजत के लिए एक और बड़ा झटका था। उसका सर चकरा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आसपास क्या हो रहा है। उसने अपने पिता को सारी बात शुरू से बताई और उसके पिता सब जानकर चौंक गए। उन्होंने रजत को तुरंत वहां से शहर वापस आने को कहा। रजत मान गया और अपने दोस्तों के साथ पहले उसने जमींदार की लाश को उसी गड्ढे में डालकर दफन किया और फिर वहां से शहर जाने के लिए निकल गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये पाताल पानी गांव नहीं था तो उस बूढ़ी औरत ने उन्हें ये क्यों कहा कि ये वही गांव है, और इतना बड़ा इत्तफाक कैसे हो सकता है कि इस गांव के जमींदार को भी अपनी जमीन बेचनी थी। फिर वापस जाते समय कबीर की नजर गांव के नाम के बोर्ड पर गई, जो आते समय दिखाई नहीं दी थी। उस बोर्ड में गांव का नाम लिखा था पतर पाली। दोनों गांव के नाम मिलते जुलते थे और तब जाकर रजत को समझ आया कि शायद मिलते जुलते नाम की वजह से शुरुआत में उस बूढ़ी औरत ने गलत नाम सुन लिया और रजत को कहा कि ये पाताल पानी है। रजत अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, वो लोग किसी और गांव में कैसे पहुंच गए और उनके सामने वहां जमींदार की मौत भी हो गई। सबको बहुत भयंकर डर लग रहा था कि कहीं उन पर कोई मुसीबत ना जाए, इसलिए वो लोग तुरंत वहां से निकल गए। लेकिन दोस्तों, क्या ये कहानी का अंत है? क्या शहर जाने के बाद रजत और उसके दोस्तों की जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी, या उसके बाद भी उनकी जिंदगी में नया मोड़ आएगा? क्या आशा को जमींदार की मौत का पता चलेगा, और जब पता चलेगा तो क्या करेगी वो? अभी भी बहुत से सवालों का जवाब पाना बाकी है, और इसी के साथ अभी इस कहानी में छुपा ऐसा रहस्य बाहर आने वाला है जो पांचों दोस्तों के ही नहीं बल्कि आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन ये सारे रहस्य कहानी के आने वाले एपिसोड्स में खुलेगा, और इस कहानी के अगले एपिसोड के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में एक नए मोड़ के साथ। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रेतनी का एपिसोड नंबर 2। पांचों दोस्त जब आशा के कमरे में गए तो उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने देखा कि उसके कमरे में कितने सारे चूहे मरे पड़े थे और उसी जगह से वहां बहुत भयंकर बदबू आ रही थी। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह थी कि चूहों के शरीर का मांस भी गायब था, मानो किसी ने उन्हें ऐसे ही खाकर फेंक दिया हो। सब लोग तुरंत कमरे से बाहर निकले, सब दंग रह गए थे क्योंकि शाम को ही वहां से चूहों की आवाज आ रही थी और अभी अचानक उसके कमरे से इतने सारे चूहे मरे हुए थे। रजत ने कहा, तुम लोग ठीक कह रहे थे, इस घर में कुछ तो चल रहा है जो अजीब है। तभी उन्हें आवाज आई, कोई घर की तरफ आ रहा था, इसलिए पांचों दोस्त तुरंत अपने कमरे में चले गए। आशा घर में आई और सीधे अपने कमरे में चली गई।
फिर रात को करीब 1 बजे वापस किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। रजत की नींद खुली और उसने बाहर आकर देखा कि जमींदार वापस आ गया है। वो भी सीधे कमरे में चला गया और फिर कमरे से फिर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। वो रात तो बीत गई, लेकिन अगले ही दिन पांचों दोस्तों को घर के बाहर शोर सुनाई दिया। सब बाहर गए और उन्होंने देखा कि गांव वालों की भीड़ जमा थी और वो लोग कैसे बात पर चिल्ला रहे थे। जमींदार उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा था, तभी गांव के एक आदमी ने कहा, जमींदार जी, हमारे घर के जानवर एक एक करके गायब हो रहे हैं। या तो उनकी लाशें चौराहे पर मिल रही हैं और वो भी कटी फटी अवस्था में। हमें शक है कि आपके घर आए मेहमान ये सब कर रहे हैं। ये सुनकर पांचों दोस्तों के होश ही उड़ गए। रजत ने तुरंत कहा कि उनके पास ऐसा कुछ करने की वजह ही नहीं है, लेकिन गांव वाले उन्हें ही दोषी ठहरा रहे थे, ये कहकर कि शहरी लोगों को जानवरों का मांस वगैरह खाने का बहुत बड़ा शौक होता है। रजत ने जमींदार से कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि उन्हें तो गांव को ठीक से देखा तक नहीं है। इतने में ही पवन और सुजीत के दिमाग में कुछ आया और उन्होंने जमींदार से कहा, जमींदार जी, शक तो आपकी पत्नी पर भी जाना चाहिए, क्योंकि हर रात को न जाने वो क्या करने के लिए गांव में भटकती रहती है। सारे गांव वाले ये बात सुनकर चुप पड़ गए और जमींदार को शक की निगाहों से देखने लगे। लेकिन जमींदार को ये बात पसंद नहीं आई और उसने कहा कि आशा ऐसा नहीं कर सकती और वो जल्द से जल्द ये सब करने वाले असली गुनहगार को पकड़ लेगा। सारे गांव वाले तो वहां से चले गए और जमींदार ने पांचों दोस्तों को गुस्से से कहा कि कल शाम तक जमीन के कागजात उन्हें मिल जाएंगे, उसके बाद उन्हें यहां से निकलना होगा। ये कहकर वो भी आशा के पास चला गया। पांचों दोस्त उसके पीछे गए और कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगे। जमींदार ने आशा से कहा, देखो तुम अब रात को बाहर मत जाना, गांव वालों को शक हो गया है और अगर फिर से किसी ने तुम्हें देखा तो मुसीबत हो जाएगी। पांचों को उसकी इस बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन ये बात तो पक्की हो गई थी कि वो दोनों कुछ बहुत बड़ा राज छुपा रहे थे। फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पांचों दोस्तों को हैरानी में डाल दिया। रात को जब सब लोग सो चुके थे, तब उनके कमरे के दरवाजे को किसी ने खटखटाया। पवन की नींद खुली, बाकी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। फिर पवन ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। ये देखकर पवन थोड़ा हैरान हो गया। वो वापस सोने के लिए जा ही रहा था कि तभी वो आवाज सुनकर वो इधर उधर देखने लगा और उसकी नजर आशा पर गई, जो बरामदे में खड़ी थी और उसे अपनी तरफ आने के लिए इशारा कर रही थी। उसने पवन को एक अजीब सी मुस्कान दी और पवन उसकी तरफ जाने लगा। आशा भी वहां से पता नहीं कहां जाने लगी और पवन उसके पीछे पीछे जा रहा था। और ऐसे ही वो पवन को घर की छत पर ले गई और रुक गई। तो पवन ने कहा, जी आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? आशा उसकी ओर पलटी और कहने लगी कि वो उसे बहुत पसंद करती है। ये सुनकर पवन चौंक गया। आशा उसके करीब जाने लगी और पवन को अब धीरे धीरे डर लगने लगा था। पवन ने कहा कि जमींदार को पता चल गया तो वो उसे मार देगा, लेकिन आशा नहीं मानी। उसने कहा कि वो जमींदार के साथ अब और नहीं रहना चाहती और वो पवन से प्यार करती है। पवन उसकी बातों से बिल्कुल हैरान हो गया था। तभी आशा ने उसका हाथ पकड़ा और अचानक उसने अपने दांत उसके हाथ में घुसा दिए। पवन जोर से चीखा और अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आशा उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। उसके हाथ से खून बहने लगा। इस चक्कर में पवन छत के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गया था और जैसे ही उसने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, आशा ने उसे धक्का दे दिया और वो छत से नीचे गिर गया। तभी वो नींद से जागकर बैठ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसके चारों दोस्त उठ गए। उन्होंने देखा कि पवन चिल्ला रहा था। चारों उसका ऐसा बर्ताव देखकर घबरा गए। उन्होंने उसे शांत कराया और तब पवन को एहसास हुआ कि अभी अभी जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो हकीकत नहीं था।
वो ना तो छत पर था और ना ही छत से गिरा था। तो रजत ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि उसने बहुत ही बुरा सपना देखा। जब वो शांत हुआ तो चारों दोस्त वापस से सो गए, लेकिन पवन की नींद ये देख कर उड़ गई कि उसके हाथ में किसी के दांतों के निशान सच में थे। अब उसकी सांसें अटक गई और बहुत पसीना आने लगा। उसको समझ आना बंद हो गया कि वो सपना था या हकीकत। सारी रात वो उस बारे में सोचता रहा। फिर अगले दिन जब पांचों दोस्त नाश्ता करने के लिए बैठे तो जमींदार की पत्नी उन्हें नाश्ता परोस रही थी, और तभी वो पवन की ओर देखकर मुस्कुराई। ये वैसी ही हंसी थी जो रात को उसने अपने सपने में देखी थी। पवन डर गया, वो उसकी तरफ देख ही नहीं पा रहा था। नाश्ता करने के बाद जमींदार ने कहा कि आज शाम तक उन्हें कागजात मिल जाएंगे, और रजत ने कहा कि वो लोग भी शाम को ही वहां से निकल जाएंगे। पर उस शाम को किसी कारण से जमींदार को जमीन के कागजात नहीं मिल पाए, और इस वजह से उसे बहुत गुस्सा आया। उसे कहा गया कि जमीन के कागजात मिलने में अभी 2 दिन का समय लग जाएगा, यानी पांचों दोस्तों को वहां 2 दिन और रहना था। लेकिन पवन ये जानकर और डर गया, क्योंकि अब वो जल्दी से जल्दी वहां से निकलना चाहता था। उसने रजत को भी ये बात बोली, लेकिन रजत ने कहा कि बस 2 दिन की ही तो बात है, और वो लोग बिना जमीन के कागज लिए जा भी नहीं सकते। पवन के पास अब और कोई रास्ता नहीं था। गांव वालों के शक के कारण अब जमींदार की पत्नी घर से नहीं निकल रही थी, लेकिन उसके बर्ताव में कुछ बदलाव सा रहा था। वो अब बहुत गुस्से में रहने लगी थी, और ये देखकर न जाने क्यों जमींदार के पसीने छूट रहे थे। उस रात पांचों दोस्त जब कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे, तब उन्हें जमींदार के कमरे से आवाज सुनाई दी। वो लोग बाहर गए तो देखा कि कमरे से ऐसी आवाज आ रही है कि कोई गुस्से में चीजें पटक रहा है। तभी जमींदार कमरे से अचानक बाहर निकला और जमीन पर गिर पड़ा। उसके सर से खून बह रहा था और वो बहुत डरा हुआ भी था। पांचों उसकी ऐसी हालत देखकर घबरा गए। जमींदार ने घबराते हुए बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से आशा की अजीब सी आवाज आ रही थी। जमींदार तुरंत घर के बाहर भागा और पांचों उसे देखते ही रह गए। फिर कुछ देर के बाद जमींदार घर आया और उसके हाथ में एक बड़ा सा बोरा था जिसमें न जाने पता नहीं क्या था। पांचों दोस्त छुपकर सब देख रहे थे, इसलिए जमींदार को पता नहीं चला। उसने कमरे का दरवाजा खोला और उस बोरे को लेकर अंदर चला गया, और अचानक से सब कुछ बिल्कुल शांत पड़ गया। उसके आने से पहले आशा अजीब सी आवाज निकाल रही थी, लेकिन वो भी चुप हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद वापस से जमींदार कमरे से वही बोरा लेकर निकला और घर के बाहर चला गया। पांचों दोस्त भी चोरी छुपे उसके पीछे गए। जमींदार घर के पीछे वाले खाली पड़े जगह पर गया और एक गड्ढा खोदने लगा। फिर उसने उस बोरे को उस गड्ढे में डाला और उसे वहां दफन करके लौट गया। उसके जाने के बाद पांचों दोस्त दोबारा उस जगह को खोदने लगे। उन्होंने उस बोरे को निकाला और उसे खोला, और जो उन्होंने देखा वो देखकर उनका दिल दहल गया। उस बोरे में एक लाश थी जिसके शरीर के कई हिस्से के मांस को निकाला गया था। वो लाश जली हुई थी, और ये देखकर उन सभी दोस्तों की हालत ऐसी खराब हुई जो कि बयान भी नहीं कर सकते। ये देखकर पवन ने कहा, मैंने कहा था ना यहाँ रहना ठीक नहीं है, ये लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी नहीं। रजत छोड़ यार इनकी जमीन, चल निकलते हैं यहाँ से, वरना ऐसा ना हो कि हम सब मारे जाएं यार। रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसे भी बहुत डर लग रहा था। तभी रजत ने कुछ ऐसा देख लिया जिससे वो बुरी तरह से डर गया। सब लोगों ने उसके चेहरे के भाव को नोटिस किया, और जब उन्होंने पीछे की ओर नजर डाली तो उनके भी होश उड़ गए। सामने जमींदार खड़ा हुआ था और बहुत गुस्से में था। उसने कहा, तुम लोगों ने काफी कुछ देख लिया है जो तुम लोगों को नहीं देखना चाहिए था, और अब मैं तुम लोगों को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। तुम सब अब यहां से कहीं नहीं जाओगे, तुम लोगों को तो अब मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। सत्यम, रजत, कबीर, पवन और सुजीत
समझ नहीं पा रहे थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। सब लोगों ने जमींदार को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन जमींदार के हाथ में बंदूक थी और इस वजह से ना वो भागने की कोशिश कर पा रहे थे और ना ही उससे कुछ कहने की। जमींदार उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था और सबकी हालत खराब हो रही थी। इतने में ही जमींदार ने बंदूक चलाई, लेकिन अचानक उसका पैर एक पत्थर पर पड़ा और मुड़ गया, जिससे जमींदार का बैलेंस भी बिगड़ गया और वो नीचे गिर पड़ा। जमींदार सीधे जमीन में पड़े कुदाल के ऊपर गिर पड़ा, जो उसके पेट में घुस गया। पांचों दोस्त ये देखकर बिल्कुल सुन्न पड़ गए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उन्हें कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। पेट में कुदाल घुसने के कारण वो जोर से चीखा और उसी वक्त वहीं मर गया। सत्यम ने कहा, अब क्या करें, कहीं इसकी मौत का इल्जाम हम पर न लग जाए। रजत, चल निकलते हैं यहाँ से, वरना गांव वाले ही हमें मार देंगे। वो लोग वहां से निकल ही रहे थे कि तभी रजत को कॉल आया। रजत ने देखा कि उसके पिता का कॉल आया है। उसने तुरंत कॉल उठाया और उन्हें सारी बात बताने ही वाला था कि उससे पहले उसके पिता ने कहा, अरे कहाँ पहुंचे तुम लोग? पाताल पानी से जमींदार का कॉल आया था और उसने कहा कि अभी तक तुम लोग गांव नहीं पहुंचे हो। अरे इतने दिनों से कहाँ हो तुम लोग? अब ये रजत के लिए एक और बड़ा झटका था। उसका सर चकरा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आसपास क्या हो रहा है। उसने अपने पिता को सारी बात शुरू से बताई और उसके पिता सब जानकर चौंक गए। उन्होंने रजत को तुरंत वहां से शहर वापस आने को कहा। रजत मान गया और अपने दोस्तों के साथ पहले उसने जमींदार की लाश को उसी गड्ढे में डालकर दफन किया और फिर वहां से शहर जाने के लिए निकल गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये पाताल पानी गांव नहीं था तो उस बूढ़ी औरत ने उन्हें ये क्यों कहा कि ये वही गांव है, और इतना बड़ा इत्तफाक कैसे हो सकता है कि इस गांव के जमींदार को भी अपनी जमीन बेचनी थी। फिर वापस जाते समय कबीर की नजर गांव के नाम के बोर्ड पर गई, जो आते समय दिखाई नहीं दी थी। उस बोर्ड में गांव का नाम लिखा था पतर पाली। दोनों गांव के नाम मिलते जुलते थे और तब जाकर रजत को समझ आया कि शायद मिलते जुलते नाम की वजह से शुरुआत में उस बूढ़ी औरत ने गलत नाम सुन लिया और रजत को कहा कि ये पाताल पानी है। रजत अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, वो लोग किसी और गांव में कैसे पहुंच गए और उनके सामने वहां जमींदार की मौत भी हो गई। सबको बहुत भयंकर डर लग रहा था कि कहीं उन पर कोई मुसीबत ना जाए, इसलिए वो लोग तुरंत वहां से निकल गए। लेकिन दोस्तों, क्या ये कहानी का अंत है? क्या शहर जाने के बाद रजत और उसके दोस्तों की जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी, या उसके बाद भी उनकी जिंदगी में नया मोड़ आएगा? क्या आशा को जमींदार की मौत का पता चलेगा, और जब पता चलेगा तो क्या करेगी वो? अभी भी बहुत से सवालों का जवाब पाना बाकी है, और इसी के साथ अभी इस कहानी में छुपा ऐसा रहस्य बाहर आने वाला है जो पांचों दोस्तों के ही नहीं बल्कि आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन ये सारे रहस्य कहानी के आने वाले एपिसोड्स में खुलेगा, और इस कहानी के अगले एपिसोड के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में एक नए मोड़ के साथ।